we don't get the background noise. Should we begin? आवाज सोहेल मुझे आवाज अच्छी थी हां तां जो आवाज ठीक है जस्ट 1 मिनट एंड वी आर लाइव यस वी आर लाइव ओके यस दोस्तों हक मौजूद मेरा नाम मुश्ताक राजपर है मैं वाशिंगटन डीसी से आज का जो हमारा सेशन है फ्रेंड्स ऑफ सिन सोसाइटी के प्लेटफॉर्म से मैं वो मॉडरेट कर रहा हूं और आज हम पाकिस्तान के बलूचिस्तान के बहुत बड़े एक बड़ा नाम सियासत का और उनकी जो पॉलिटिकल लाइफ है उनके जो पॉलिटिकल आइडियल्स और लेगेसी है उस पर हम बात करेंगे जनाब सरदार अताउल्ला मेंगल साहब को भी याद कर रहे हैं हम में से कई लोग उनसे मिले थे पर्सनली उनकी पॉलिटिक्स को देखा और उनकी सियासत को देखा और उनका जो सियासी किरदार था उसको हम काफ़ी लोगों ने जो है वो विटनेस किया है तो मेरे साथ आज बहुत ही जो बड़े एक्टिव पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में लोग हैं वो हमारे साथ हैं आज बातचीत करेंगे तो पहले मैं आपको बता दूंगा आज हमारे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ आज कौन कौन है इस प्रोग्राम में जो बात करेंगे सरदार अताउल्ला मेंगल साहब की सियासी जिंदगी पर हमारे साथ हैं सेनेटर अफरासियाब खटक साहब एक मतलब उनके उनका मैं तारुफ क्या कराऊं मतलब हमारे लीडर हैं पाकिस्तान के मजलूम कौमों के लीडर हैं और वहीद बलोच साहब हैं जो बलोचिस्तान असेंबली के साबिक स्पीकर हैं और बीएसओ के वो साबिक चेयरमैन रहे हैं और स्टूडेंट पॉलिटिक्स से लेकर जो फिर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में उनका रोल है वो यहाँ से हमें वाशिंगटन डीसी मेट्रो एरिया से हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे साथ राशिद रहमान साहब हैं लाहौर से बड़ा जाना पहचाना नाम पाकिस्तान की सहाफत का लेफ्ट और प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स में डॉक्टर मोहम्मद तकी आई थिंक तकी साहब अभी हमें शायद वो नहीं आए हैं ही विल ज्वाइन अस लेटर वो हमें फ्लोरिडा से ज्वाइन कर रहे हैं अभी उनका हाल ही में बड़ा अच्छा आर्टिकल छपा था फ्राइडे टाइम्स में सरदार अताउल्ला मेंगल साहब की जिंदगी पे यूसुफ मस्ती खान साहब हमारे कराची के दोस्त जिनके दोस्त अवामी वर्कर्स पार्टी के अभी हेड हैं और एक लंबी जिंदगी उन्होंने दी है मजलूम कौमों के हकूक के लिए और उनका जो किरदार है उसके हवाले से वो भी बात करेंगे शकीला नवीद जो बीएनपी की एमपीए हैं बलोचिस्तान असेंबली में अभी आई नहीं है बट आई होप कि शी विल ज्वाइन अस एट वन पॉइंट और हमारे दोस्त जामशोरो से सेफ समेजो जो सिंध के बल्कि पाकिस्तान के सूफी म्यूजिशियन और स्केचेस बैंड को और लाहौती लाइव सेशन को हेड करते हैं वो एक हमें वाई सुनाएंगे एज अ ट्रिब्यूट टू मेंगल साहब और हमारे इकबाल तरीन साहब जो हमारे फ्रेंड्स ऑफ सोसाइटी के सीनियर दोस्त हैं वो भी हमारे साथ हैं डॉक्टर एजाज तुर्क हैं और सोहेल अंसारी जो टेक्निकली सेशन को मॉडरेट कर रहे हैं तो प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं सबसे पहले मैं दावत दूंगा इकबाल तरीन साहब को कि वो वेलकम रिमार्क्स दें सब दोस्तों को वेलकम करें और अपने ख्यालात का इजहार करें एक बात कह दूं कि ये हमारा टोटल सेशन का जो टाइम है 2 घंटे है लेकिन मैं चाहूंगा कि एक घंटा डेढ़ घंटे में उसको वाइंड अप करें ताकि जो लोग पार्टिसिपेंट हैं अगर उनमें से कोई सवाल हो किसी हमारे पैनल स्पीकर में से तो वो पूछ सकें तो आई विल रिक्वेस्ट ऑल स्पीकर टू प्लीज you know limit your conversation in 10 minutes maximum that would be great in that case I won't bother you so main dawa deta hu janab ikbal tareen sahab ko ke welcome remarks de sabse pehle to friends of sin society ka main shukr guzar hu ab kyunki main urdu mein bol raha hu isliye ke shayad kai doston ko sindhi mein baat na samjhe इसलिए मैं उर्दू में बात करना चाह रहा हूँ और कभी कभार सिंधी में भी बोलेंगे कभी कभार इंग्लिश में भी बोलेंगे तो ये कन्वर्सेशन जो है वो इसी में जारी रहेंगी आपकी तरफ से आपके प्लेटफॉर्म की तरफ से मुझे हुक्म हुआ कि मैं आप सबको इंट्रोड्यूस करूँ लेकिन मुश्ताक साहब ने ऑलरेडी आप सबको इंट्रोड्यूस कर लिया है तो मैं इस चीज़ को दोबारा रिपीट नहीं करना चाहता जितने दोस्त यहाँ बैठे हुए हैं सब बड़ी खुशी हो रही है सबको देखकर वो चेहरे जिनको हम तरस रहे थे एक ज़माने से खास करके वो दोस्त जिन्होंने हमें पनाह दी बलूचिस्तान में बहुत बुरे वक्त पे
मैं जिक्र कर रहा हूँ 1973-72 का, जब भुट्टो साहब की गवर्नमेंट आई थी तो हमें भी जलावतनी का हुक्म हुआ था सिंध से, तो हमने जाकर वहाँ पनाह ली थी बलूचिस्तान में। और उस दौर में हमारे बिजनजो साहब और बेंगल साहब की हुकूमत थी। मैं बहुत ही फख्र से कह सकता हूँ कि बेंगल साहब से हमारी मुलाकात जो है वो 1968 के दौरान हुई थी, और उसके बाद राइट एट अराउंड 1971 जब ढाका का फॉल हुआ था। तो मुझे वो उनके अल्फाज मुझे याद है, मैं उनको दोबारा दोहरा रहा हूँ, चूंकि पिछले दिनों एक इज्तमा हुआ था उसमें मैंने यह बात कही थी, लेकिन ये दिल से दोहरा रहा हूँ कि सरदार साहब नाम के सरदार थे, और आप सबको पता है कि ना उनका पर्सनैलिटी का डीएनए ना पॉलिटिकल डीएनए में सरदार शामिल थे। और वो एक्चुअली आखिर तक ये शिकायत करते रहे। उन्होंने 2018 में एक इंटरव्यू दिया था डान को, जिसमें उन्होंने खुल्लम खुला कहा था कि बलूचिस्तान की सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि हम अपने ट्राइबल सिस्टम से आज़ाद नहीं हो सके हैं, और हमारी सियासत में ट्राइबल सिस्टम के कई अनासर हैं जो जिन्होंने हमें पीछे रखा। फिर एक दूसरी बहुत बड़ी बात कही थी उन्होंने जब ढाका का फाल हुआ था कि अल्लाह अकबर के दोनों तरफ से नारे लग रहे थे, बंगाली जब अपने आप अपनी हिफाजत कर रहे थे तो अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे थे, और इधर से पाकिस्तानी फौज अल्लाह अकबर के नारे लगा रही थी। तो इस अल्लाह अकबर के नारों के टकराव में दो कौमी नजरिया बेअख बंगाल में डूब गया। ये उनके हिस्टोरिक अल्फाज थे। Ajaz, are you trying to say something? Hello, Ajaz? Okay. So, ye hai perspective or backdrop. Aur hamari aur kai mulaqatein hui. Ek zamana maine Rangal sahab ko ek chote daur ke liye, ek barsat akhbar thi, nikalti thi Karachi se. Main uska editor bhi tha kuch waqt ke liye. Main us platform se Rangal sahab se badi tafseel mein unka interview kiya tha. और फिर कई यहाँ जब वो उनके भाई यहाँ रहते थे, उम्मीद है कि वो रहते थे यहाँ ह्यूस्टन में, उनके छोटे भाई, उनसे बड़ी मुलाकात बातें हुआ करती थी। और जब बेंगल साहब इंग्लैंड में थे तो तभी हमारे उनसे मरासिम रहे। लेकिन वो फिजिकली हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनका मैसेज, उनके के तजुर्बात जिंदगी के, वो हमारे साथ रहे और वो हमारे लिए मशले राह रहेंगे। तो मैं इस बात का इजहार करूंगा थोड़ी देर के लिए कि हम किस बॉन्ड, व्हाट इज दैट बॉन्ड, व्हाट इज दैट नेचुरल बॉन्ड जिसके जरिए हम एक दूसरे से बांधे हुए हैं और एक दूसरे से हम मुंसलिक हैं। और वो है हमारी कहानी, बहुत तारीखी कहानी, जिस तारीख के मजालिम ने हमें आपस में जोड़ कर रखा है। थोड़ा सा जाती इंट्रोडक्शन करवाऊंगा। मेरा नाम इकबाल तरीन है, जैसे मुख्तार साहब ने कहा। मैं जी एस एन स्टूडेंट फेडरेशन का बानी था, बानी सदर था, उसके बाद फिर सना का प्रेसिडेंट रहा हूँ, वाइस प्रेसिडेंट रहा हूँ, एंड फिर कुछ ही सब बरस पहले मैं पाकिस्तान में वापस आया था, तो एक नई पार्टी का मैंने जन्म रखा था, और वो फिर एक दूसरी कहानी है, उसके लिए एक सेपरेट डिनर का सेशन चाहिए। लेकिन मैं हजारों बरस से पश्तून बलोच हूँ, सैकड़ों बरस से सिंधी हूँ, और डेकेड से अमेरिकन हूँ। एक छोटी सी जगह है बलूचिस्तान में पिशिन के साथ जिसका नाम है खुदादास जई, मेरे दादा ने वहां जन्म लिया, और हमारे बचपन में ही वो शिकारपुर सिंध में वो माइग्रेट करके आए, तो गोया मेरी जनरेशन दूसरी जनरेशन। तो इस लिहाज से हमारे रिश्ते पश्तून लोगों के साथ, हमारे भाइयों के साथ, बलोचों के साथ बहुत पुराने हैं, और एक डीएनए का सफर है
न सिर्फ फिजिकल डीएनए लेकिन ख्यालात के भी डीएनए में आपस में हमारी हमाहंगी है। हमारे आज जो हम यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं, उम्मीद करता हूँ कि हम इस मीटिंग से कुछ हासिल करके जाएंगे और कुछ ऐसी चीज़ों का कम से कम निशानदेही करेंगे जो हमें सबक सिखाती है। ये कहानी पाकिस्तान की 18th सेंचुरी में स्टार्ट हुई, जब इनके पाकिस्तान और पार्टीशन के और एक साहब थे फ्रांसिस टकर, जो कि बहुत बड़े थॉट लीडर थे ब्रिटिश एम्पायर के। उन्होंने जन्म दिया आर्च, इस्लामिक आर्च का, जिसको उन्होंने फैलाना चाहा अल्जीरिया से ऑल द वे टू साउथ एशिया तक। दे वांटेड टू क्रिएट अ वॉल अगेंस्ट राइजिंग टाइड ऑफ कम्युनिज्म इन द वर्ल्ड, सो दे फाउंड द मुस्लिम्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट वेरी फ्रेंडली and open to the idea, and many of those folks expressed in their writings and their speeches that the Muslims of South Asia, they are very friendly to us, and they are very cooperative to us, with us, and they will be our natural allies. Bahrhal, whatever the circumstances, Pakistan was created in 1947. Lekin बलोचिस्तान के लोगों ने तो कभी पाकिस्तान में शमूलियत वाला टिली हासिल नहीं की। उनको एक्चुअली 1940 में दे वर ऑक्यूपाइड बाय विद द आर्मीज वर सेंट टू बलोचिस्तान, लेकिन एंड पश्तूंस हैव ऑलवेज डिजायर्ड एंड एक्सप्रेस देयर पॉलिटिकल डिजायर फॉर सॉवरेनिटी व्हिच वे दे फील मोर कंफर्टेबल एंड ऑन इक्वल फुटिंग्स, एंड सो हैव सेड बंगाल डिड द सेम थिंग, बट ऑफ कोर्स the establishment, Pakistani establishment, preferred to cut off Bengal rather than giving them an equality. This has been a tragic story throughout our history. Lekin jo kuch bhi hua 47 mein, 48 mein, 49 mein, uske baad, mere khayal mein Bengaliyon tak, unhone bhi Pakistan mein rehne, Pakistan ko ek democratic society banane, एक ऐसा माशरा जो प्रोग्रेसिव माशरा हो, जिसमें इंसानियत के, इंसानों के हुकूक का एहतराम हो, जिसमें जेंडर इक्वालिटी हो, जिसमें गुरबत को ख़त्म किया जाए, इन मैनों पे, इन ग्राउंड्स पे ऑल ऑफ अस विदाउट ए डेफिसिट ऑफ डिजायर वी हैव वांटेड टू स्टे इन दिस यूनियन, बिकॉज पाकिस्तान वॉज कंसीव्ड एज अ यूनाइटेड नेशंस ऑफ पाकिस्तान। It was a covenant in 1940. I'm talking about Bengal or Sindhi because Balochistan was not included in this effort. And Punjab to the last moment had a unionist government in Punjab. So the Pakistan concept of Pakistan was sold to Bengalis and Sindhis as a United Nations of Pakistan. But there have been violations of this covenant throughout its life. Lekin, हम जब सिंध बलूचिस्तान और पख्तूनख्वा की बात करते हैं तो हमें लाखों और करोड़ों उन गरीबों और मेहनतकश लोगों को जो पंजाब में रहते हैं, उनके साथ हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, उनके साथ हमारे कोई तजाद नहीं है। एक बैलगाड़ी चलाने वाला जो बलूचिस्तान में बैलगाड़ी चलाता है, पख्तूनख्वा में चलाता है, सिंध में चलाता है, पंजाब में चलाता है, उनका आपस में क्या खिलाफ। लेकिन वो जो कुवतें हमें डिवाइड कर रही हैं, उनका पाकिस्तान से हकीकत में कोई ताल्लुक नहीं। मैं आर्ग्यू करूंगा कि जब से पाकिस्तान का जन्म हुआ है, तब से 33 इयर्स पूरे तो मिलिट्री का डायरेक्ट रूल रहा है, बाकी जितना अरसा है उसमें इनडायरेक्ट रूल रहा है पाकिस्तान पर मिलिट्री का। और पाकिस्तान की मिलिट्री, जो कि पाकिस्तान की ट्रेजेडी है कि पाकिस्तान में कभी भी पार्टनरशिप का जज्बा कायम नहीं हुआ, इक्वल पार्टनरशिप का जज्बा कायम नहीं हुआ, वो इस वजह से नहीं हुआ कि पाकिस्तान की आर्मी को कभी पाकिस्तान की नेशनल मिलिट्री नहीं बनने दिया गया। एक्चुअली इट हैज ऑलवेज बीन ए रीजनल एंड टू अ ग्रेट एक्सटेंट एथनिक मिलिट्री।
हमारा काम है, आप देखिए यहां पे स्टेट्स दे बीट एवरीथिंग टू हेल टू ओपन द बेसिस इन देयर स्टेट्स, अमेरिकन बेसिस जो है उनके लिए बाकायदा वो कैंपेन करते हैं सेनेट में कांग्रेस में, और जब वहां बेसिस बंद करते हैं तो एक कयामत हो जाती है स्टेट्स के अंदर, क्योंकि वो बेसिस जो है उनको अपनी कौमी आर्मी समझते हैं, उनको पता है कि ये जब बेसिस आएंगी तो हमारे गरीब लोगों की तरक्की होगी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी कई एरियाज में। लेकिन हमारा तजुर्बा ये है कि जब पाकिस्तान के मिलिट्री के बेसिस होते हैं तो वो लोकल लोगों के लिए तो कोई बेनिफिट नहीं होता, बल्कि बाहर से लोग लाए जाते हैं और वो एक उनकी जो थोड़े बहुत इख्तियारात थे उनको भी बहुत ही रिस्ट्रिक्ट किया जाता। तो ये जो डिस्पोजिशन है पाकिस्तान मिलिट्री की, ये पाकिस्तान को सबसे बड़ा नुकसान इसी माइंडसेट ने दिया। और दूसरी बात ये कि ये कहना अभी दुरुस्त नहीं है, आई मेंटेन दिस आर्ग्यूमेंट, ये मेरा आर्ग्यूमेंट है कि पाकिस्तान की मिलिट्री पंजाब की भी सही मानों में रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। आप बंगाल के सेपरेशन के बाद जो तसल्लुत है पंजाब के मिलिट्री का, उसका निशाना पंजाब के लोग भी बने हैं, इसी वजह से वो बहुत ही पिकी है गवर्नमेंट्स को पिक करने में, चाहे वो नवाज शरीफ की हो या बेनजीर की हो या किसी भी की हो, वो बहुत पिकी है, वो अपने इंटरेस्ट को अपने क्लास के इंटरेस्ट को ज्यादा फोकस देते हैं। तो पाकिस्तान की मिलिट्री और एस्टेब्लिशमेंट अनफॉर्चुनेटली हैज बिकम मोर ऑफ अ पाकिस्तानी मिलिट्री एथनिक एंटरप्राइज, इट इज मोर ऑफ अ बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट रादर देन अ कौमी आर्मी। और जब तक के ये बात तब्दील नहीं होगी, जब तक के ये बात तब्दील नहीं होगी, जब तक के ये आर्मी सही मानों में, ये मिलिट्री सही मानों में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स नहीं इंप्लीमेंट करेगी, जब तक ये लोगों में ओनरशिप का सेंस नहीं डेवलप करेंगे, तब तक पाकिस्तान को पाकिस्तान से ही खतरा होगा। तो मैं गुजारिश करूंगा कि हमें अपने लोगों की खिदमत के लिए इस फोर्स को जो जो पॉलिटिकल फोर्स बन चुका है उसके उसको एक्सपोज करना होगा, हमारा ग्रेटर अलायंस लोगों के बीच में आवाम के बीच में पैदा करना होगा। और आज जितने भी दोस्त यहाँ मौजूद हैं, मेरे ख्याल में हमारे लिए ये एक अच्छा प्रपोजिशन बनता है कि हम ऐसी बातों का, ऐसे प्रोग्राम का तायुन करें जो डिलीवरी फोकस हो, आउटकम फोकस हो। बातें बहुत अच्छी हैं, बातों के बगैर, ख्यालात के बगैर अमल नहीं बनता, अमल के बगैर बिहेवियर नहीं बनता, अमल के बगैर आउटकम नहीं बनते। तो ख्यालात बहुत ज़बरदस्त हैं, हमें बात करना चाहिए, कई बार करना चाहिए, लेकिन हमें मिलके अपने हमें दोस्तों की बड़ी सख्त ज़रूरत है, दुश्मनों की नहीं, वो चाहे कहीं भी हो, हमें अपने दोस्तों की निशानदेही करनी चाहिए और सही मानों में एक अलायंस, ग्रेटर अलायंस फॉर द इंटरेस्ट ऑफ पीपल ऑफ ऑल प्रोविंसेस, देयर सॉवरेंटी एंड इक्वालिटी, हर लिहाज से प्रोविंसेस के बीच में इक्वालिटी, जेंडर्स के बीच में इक्वालिटी को आगे बढ़ाना चाहिए। ये मेरी गुजारिश है, बड़ी नाज है आपसे कि आपने मुझे मौका दिया, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया इकबाल तरीन साहब, बड़ी तफसीली आपने बातचीत की। अब जो है, पहले तो मैं वेलकम करना चाहूँगा डॉक्टर मोहम्मद तकी साहब को, उन्होंने मैं ज्वाइन किया है और वाशिंगटन डीसी से हमारे दोस्त और वेल नोन जर्नलिस्ट मलिक सराज अकबर ने हमें ज्वाइन किया है, उनका शुक्रिया। मैं कन्फर्म करना चाह रहा हूँ कि जो MPA हैं बलोचिस्तान में शकीला नवीद, अगर वो हैं तो सर एक मैसेज कर दें ग्रुप पे तो अच्छा होगा। अभी हमें दावत दूंगा हमारे दोस्त सैफ समेजो को कि वो हमें एक वॉइस सुनाएं, वो एज अ ट्रिब्यूट टू सरदार अताउल्लाह मेंगल्स लाइफ। और अदा सैफ समेजो, डियर ओवर टू यू, अगर आपको आवाज आ रही है। तरीन साहब अपना अपना माइक जो है वो ऑफ कर दें प्लीज। थैंक यू मुश्ताक, आई फील रियली गुड कि मैं आप सब दोस्तों के बीच में हूँ और मेंगल साहब को ट्रिब्यूट देने के लिए मैंने सोचा कि क्या गा के मैं ट्रिब्यूट दूँ, और फिर मुझे अलन फकीर की गाई हुई वो वाई याद आई जो शेख हयास
की पोएट्री है टिड़ी पौंदा, मुझे वो खूबसूरत ट्रिब्यूट लगा। मुझे सियासी गुफ्तगू नहीं आती है इतनी, बट मैं इतना जरूर कहूंगा कि हम यूनिवर्सिटी के उन दिनों में जब टीवी देखा करते थे तो पाकिस्तान की सियासत में उस दौर में तो काफी सारे, मैं कहूंगा कि वाइज लोग आवाजें हुआ करती थी जो कि विजडम की और अकल की बातें किया करते थे। आज वो बहुत कम हो गए लोग, और अब टीवी का जमाना भी चला गया पर वो लोग भी कम हो गए। तो उन दिनों में मेंगल साहब वो एक किरदार थे जिसे हम सुना करते, और हमें ये लगता था कि क्योंकि हम तो यंग थे, इतने हमें विजडम नहीं था पॉलिटिकल, उनकी बातें सुन के हमें लगता था कि शायद हम किसी सही सिम्त में जाएंगे, किसी डायरेक्शन में जाएंगे, क्योंकि इस तरह के लोग हैं। सो वेरी अनफॉर्चुनेट ही इज नॉट अमंग अस एंड ही इज गॉन विद सो मेनी ड्रीम्स। तो मैं शेख अयाज की वो वाई गा देता हूँ एज अ ट्रिब्यूट, और शाह लतीफ के सुर सामुड़ी के बैत के साथ। से जो भनगी हो जे सजने सफर हलया हो रुआ न सुपरी पायल करा की चाढ़े मुखे चाहे जी वड़जारो ओ हरे ओ अला टीड़ी पवदारी जद है गाढ़ा कुल्ले अलो म्या तद है ओ तद है टीड़ी पवदा जद है गाढ़ा फुल तद है ओ तद है मिलंदा सी अल्लाह जद है वरंदियों कूजड़ियों हर हर करे हर हर करे भुले अनुम्या तने नंदा अल्लाह
Shukriya, Saif. Very moving, very moving. You took us there. So I really thank Saif for taking our time today and joining us. Thank you so much. It's very kind of you. Messages. Thanks to everyone. Thank you. Messages में कुछ दोस्त जो हैं वो पूछ रहे थे कि तर्जमा, लेकिन I think फिर दे रहे थे, share कर रहे थे, लेकिन मैं तो नहीं कर पाता. It's a feeling, it's experience, you know. It's this movie. Yeah. Thank you, Saif. Abhi hum move karte hain. Hamare saath dost Jami Chandio sahab maujood hain, jo I think travel bhi kar rahe hain apni gaadi se. Hame baat karenge wahan se. Aur Jami Chandio sahab writer hain, aur hum to unko bada Pakistan ka jo federalism ka jo subject hai, uspe kaafi maharat hai unki. Duniya bhar ke jo nizam hai unhone padhe hain, bada acha comparison bhi pesh karte hain. Aaj ka jo mauzu hai wo basically Sardar Atala Mengal sahab's political life, his ideals and his legacy. तो हम कोशिश करेंगे, दोस्तों से भी गुजारिश करेंगे कि उस पे फोकस करें और टाइम का भी ख्याल करें. तो ओवर टू यू साईं जामी चांडियो साहब. एंड आई वंस अगेन रिक्वेस्ट ऑल फ्रेंड्स, प्लीज म्यूट योर यू नो वॉइस सो दैट यू नो योर पिक्चर डजंट कीप कमिंग टू अदर्स. थैंक्स. ओवर टू जामी चांडियो साहब. और मुझसे पहले मैंने जहां सैफ का बहुत खूबसूरत गाया हुआ शेखयाज का गीत सुना, उससे पहले एक बार तरीन साहब की बड़ी संजीदा गुफ्तगु थी, वो मैंने सुनी. और सबसे पहले तो मैं फ्रेंड्स ऑफ सिंध सोसाइटी के तमाम दोस्तों को मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने सरदार अताउल्लाह मेंगल साहब की याद में उनको ट्रिब्यूट पेश करने के लिए ये जो आज का एक नशिस्त रखी है. तो ये एक बहुत ही खुशाइन बात यह है कि हम सिर्फ अताउल्लाह मेंगल साहब को बलोच रहनुमा नहीं समझते, हम उनको पाकिस्तान की तमाम मजलूम कौमियतों और तमाम मजलूमों के एक बड़े रहनुमा समझते हैं. तो इस लिहाज से ये सिंधी बलोच जो सॉलिडेरिटी है वो भी, इसकी भी एक गमाजी है, शक्ल है. और मजमूई तौर पर जितनी तमाम अफरज़ याब खटक साहब मौजूद हैं इस महफिल में और बहुत से और दोस्त मौजूद हैं, मेरे पुराने दोस्त वहीद बलोच साहब मौजूद हैं और बड़े ही प्यारे दोस्त सनाउल्ला बलोच मौजूद हैं और सिंधी दोस्त बहुत हैं. तो ये एक लिहाज से एक तरह का इजहार भी है कि हम तमाम मजलूम कौमियतों और मजलूम जितने भी तबकात हों, कौमियतों हों, उन सब के मसाइल मसायब एक हैं और उनके रहनुमाओं को अपना समझते हैं. और दूसरी बात के अताउल्लाह मेंगल साहब कि जो वफात हुई है, जाहिर है कि वो हम सबके लिए दुखदायक थी, लेकिन मैं समझता हूँ कि उन्होंने बड़ी तवील उम्र अपनी गुजारी और कामयाब जिंदगी गुजारी. और कामयाब का मतलब है कि बहुत बामकसद उन्होंने जिंदगी अपनी गुजारी. कामयाबी नाकामी के पैमाने हमारे यहाँ कुछ और होते हैं, हम जमाने के पैमानों को नहीं मानते. तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जो जिंदगी अपने आला मकासद के लिए गुजरी हो और अपनी आला मकासद की जुस्तजू में गुजरी हो, वो हमेशा कामयाब होती है, वो कभी नाकाम नहीं होती. तो
तो मैं अताउल्लाह मेंगल साहब की जिंदगी को भी एक बहुत कामयाब और एक बामकसद जिंदगी समझता हूँ। और तो इसलिए इन इस किस्म के लोगों की वफात पर आंसू बहाने से बेहतर होता है कि हम उनकी जिंदगी को डिस्कस करें, उनकी स्ट्रगल को डिस्कस करें और उसमें से कुछ नतायज अख्स करें और कुछ सबक हासिल करें और उसी जस्तजू के तसलसल के बारे में कोई तजदीद की बात करें। मुझे जो दो चार बातें करनी होंगी मैं आज नशिस्त में, वो ये, एक पहली बात ये है कि मुझे, मैं खुशबख्त समझता हूँ अपने आप को कि अताउल्लाह मेंगल साहब के साथ काफ़ी करीबी नशिस्तें बहुत से मौक़ों पे काफ़ी अरसे से रहीं और ये तकरीबन कोई 20-22 साल पहले के ज़माने से शुरू हुई। इस्लामाबाद में उनके बेटे जावेद साहब के घर पर F7 के सेक्टर में, फिर पूनम का पूरा दौर, पलीजो साहब और मैं ही अक्सर जाया करते थे साथ पूनम के इजलासों में, तो वहाँ मुलाकातें होती थी। फिर वो एक दफ़ा नवाब यूसुफ टालपुर साहब के घर पर हैदराबाद आए तो उन्होंने मुझे भी मदऊ किया, वहाँ भी बड़ी हमारी तवील नशस्त रही। इस तरह बहुत से मौक़ों पे उनके साथ बड़ी नशस्तें रहीं और मुझे उनकी शख्सियत में जो एक बहुत अच्छी बात लगी, जाहिर है कि बहुत से नुकात पे सोच का फ़र्क भी होता था लेकिन जो शफकत और संजीदगी और एक बड़ापन उनकी शख्सियत में मैंने देखा वो बड़ा बाकमाल था कि बड़ी तलख से तलख बात भी बहुत शायस्तगी से कह देंगे और एक अपनाइयत से कह देंगे और एक मोहब्बत के साथ कहेंगे, यानी अपनों के साथ तलख बात भी मोहब्बत से करेंगे, दुश्मनों के साथ आसान बात भी हो तब भी तलख अंदाज में करेंगे। तो मुझे मेंगल साहब की शख्सियत में ये जो एक बड़ापन था, शफकत का पहलू था और उनकी संजीदा मिजाजी और वजादारी, ये मुझे बड़ी पसंद आई। मैं आपको मिसाल दूँ, एक दफ़ा पूनम के इजलास में इस्लामाबाद में उन्हीं के बेटे घर पर इजलास था तो मैं और पलियो साहब वहाँ थे और अतार मेंगल साहब तो मेज़बान थे और महमूद खान अचकज़ई साहब भी वहाँ थे और बाकी कादर मक्सी साहब भी थे और लोग भी थे वहाँ। तो एक मौके पे बहुत तलखी हो गई महमूद खान अचकज़ई साहब और पलियो साहब, और तो मुझे उस वक्त मेंगल साहब ने लंच का ब्रेक हुआ तो मुझे उन्होंने बुलाया, अपने पास बिठाया, बिल्कुल प्यार करते वाले साहब, तो मुझे उन्होंने कहा तुम्हारा जिम्मा है कि महमूद खान और कलियो साहब की दोस्ती दोबारा बहाल करा दो और मुझे ये कल तक बता मालूम होना चाहिए कि सब कुछ ठीक हो गया है। और फिर उसी रात को मैं और अबरार गाजी ठहरे हुए थे वहाँ सिंध हाउस इस्लामाबाद में, फिर महमूद खान साहब को हमने वहाँ बुलाया, कलियो साहब को बुलाया और मंदुखेल साहब भी थे और फिर दोबारा एक तलखी का बड़ा जबरदस्त दौर चला और बिल आखिर दोस्ताना माहौल में वो बात खत्म हुई और मैंने अगले दिन मेंगल साहब कहा कि आपने जिम्मा रखा था वो काम हो गया, बहुत प्यार करते हंसते रहे। तो इस तरह बहुत एक शफीक इंसान थे। तो मैं समझता हूँ कि एक तो मुझे खुशनसीबी है कि उनके साथ बड़ा एक नशस्तें रहीं और उनको सुनने का मौका मिला और गुफ्तगू करने का। दूसरी बात जो मैं मुश्ताक कहना चाहूँगा दोस्तों के साथ, सब दोस्त बैठे हैं, कि जाहिर है हम तरक्की पसंद अफकार के लोग हैं, आम तौर पर हम सरदारों नवाबों को कभी पसंद नहीं करते और जाहिर है कि बजा तौर पर पसंद नहीं करते क्योंकि हमारे जो तरक्की पसंद अफकार हैं वो हमें उसका सबब यह है कि आम तौर पर मैं चांडिया हूँ, मैं अपने सरदारों को कभी नहीं मानता कि वो हमारे सरदार हो सकते हैं, इसलिए सरदार और नवाबों को तो हम नहीं मानने वाले लोग। लेकिन ये बड़ा सवाल है कि फिर हम जैसे लोग क्यों इतना एहतराम और प्यार करते हैं मेंगल साहब जैसे लोगों का, या खैर बख्शमरी साहब थे, नवाब अकबर बुगटी थे, ऐसे बहुत से लोग हैं। उसका सबब यह है कि आम तौर पे ये सरदार नवाब जो है ये पावर की पैदावार होते हैं, इनकी जिंदगी जुड़ी हुई होती है पावर के साथ और इनकी सारा सर्वाइवल पावर के साथ जुड़ा होता है। लेकिन ये हमारे अहद में ऐसे लोग थे कि जो सरदार भी थे लेकिन उन्होंने रियासती पावर के साथ टक्कर खाई, वो मजाहमत की इसके सिंबल बने। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ी बात है और इसीलिए हम जैसे तबकाती शऊर रखने वाले लोग भी मेंगल साहब को और इन तमाम लोगों को बड़ी मोहब्बत से उनको जिक्र करते हैं, उनको अपना समझते हैं, अपना रहनुमा समझते हैं, कि उन्होंने पावर से मराते लेने की बजाय, पावर से जुड़ने की बजाय अपने मजलूम कौमियत के साथ खड़े रहे और पावर से टक्कर खाई सारी जिंदगी। और जाहिर है कि वो उनकी एक सारी जिंदगी इसी जदोजहद की अकासी करती है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी मिसालें हैं कि लोग अगर मतलब हुक्मरान तबकात से भी हों तब भी वो अपना मुतबादल रास्ता तलाश कर सकते हैं और जिंदगी की जाविदानी इसी में है कि अपने आवाम के साथ खड़ा हुआ जाए, अपने वतन, अपनी मट्टी और अपने कौम के साथ खड़ा हुआ जाए, बजाय इसके कि आप गासिबों और बातिल कुवतों के साथ खड़े रहें। तो मैं समझता हूँ कि मेंगल साहब की भी जिंदगी इस लिहाज से
एक हम सबके लिए इंस्पिरेशनल जिंदगी है कि वो सरदार थे लेकिन वो उन्होंने हमेशा पावर से टक्कर खाई और पावर को रद्द किया, ये बड़ी बात है। आखिरी दो बातें मैं करना चाहूंगा जरूर, और वो ये है कि जैसे इकबाल तरीन साहब कह रहे थे कि अब जाहिर है कि ये एक जनरेशन थी जो तकरीबन जा चुकी है, ये पूरी जनरेशन थी, बिजंजो साहब और टी एम सैयद और पलीजो साहब और वली खान और नवाब खैर बख्श मरी और पाकिस्तान के बहुत से जो है वो अपना अजमल खटक साहब और तमाम सूबों के अंदर ये शख्सियात हमें मिलती हैं, पलीजो साहब, सारे लोग, कि एक पूरी जनरेशन थी कि जिस जनरेशन ने अपने अपने हालात में मज़ाहमत भी की और अपने अवाम के साथ या अपने वतन के साथ मट्टी के साथ खड़े रहे, और वो जो लेगेसी छोड़ गए हैं वो जाहिर है कि मामूली नहीं है। तो मैं समझता हूँ मेरी आखिरी गुफ्तगू यही होगी कि जब हम अताउल्लाह मेंगल साहब जैसे लोगों को याद करते हैं और उनको ट्रिब्यूट पेश करते हैं या उनसे इंस्पिरेशन हासिल करते हैं, तो इसका मतलब यही है कि वो तसलसल कैसे कायम रहे, वो जदोजहद पावर के साथ मज़ाहमत की और स्टेटस को कबूल ना करने की, और ये कैसे तसलसल से कायम हो। जाहिर है कि हालात कभी बहुत अच्छे होते हैं, कभी बहुत अच्छे नहीं होते। तो मैं जो जिस बात पे अपनी आखिरी बात नुक्ते पे खत्म करना चाहूंगा और बाकी तो उस बात करेंगे बेटे, वो ये है कि इस मुल्क में पूनम का बनना एक बड़ी गनीमत थी और पूनम का टूट जाना या बिखर जाना एक बड़ा अलमिया था हम तमाम मजलूम कौमियतों के लिए और इस मुल्क के मजलूम अवाम के लिए। तो मुझे लगता है कि अब जब इस कदर बड़ी शख्सियात नहीं रही, उस बड़े पैमाने पर वो तहरीकें मजमू तौर पर, चाहे बलोच तहरीक तो फिर भी बहुत आगे रही है लेकिन सिंध के अंदर तहरीकें उस तरह से उस अंदाज उस नहज पे नहीं है, पश्तून मूवमेंट उस तरह से उस नहज पे नहीं है, और तमाम अवाम की जो कौमी जमहूरी अवामी तहरीकें हैं, तो मैं समझता हूँ कि फिर एक जरूरत है इस मुल्क को ऐसे पूनम जैसे इतिहादों की, या पूनम सिर्फ नहीं, इससे आगे की बात करेंगे तो पाकिस्तान के मजलूम कौमियतों और मजलूम तबकात की ये जो निजात की तहरीक है, ये सारा सफर है जिसके लिए इन तमाम रहनुमाओं ने, एक पूरी जनरेशन ने, और सिर्फ रहनुमाओं ने नहीं, कारकुनों ने और अदीबों ने, हम लिखने वालों ने, शायरों ने और इस मुल्क के तमाम हर तरह के लोगों ने कुर्बानियां दी, अपना वक्त दिया, जिंदगियां वक्फ की, अब भी हम किए हुए हैं। तो असल सवाल यही है कि अताउल्लाह मेंगल साहब जैसे बड़े लोगों को ट्रिब्यूट पेश करने, और मैं तो कहूंगा कि वो कामयाब जिंदगी है, जिस जिंदगी में ख्वाब है, जिस जिंदगी में ख्वाबों के लिए जुस्तजू है, वो कभी नाकाम नहीं हो सकती। तो इसलिए हम इनको ना सिर्फ अपना रहनुमा समझते हैं बल्कि इनको कामयाब लोग समझते हैं, और यही मेरा नुकता आखिरी है कि आखिर इस मुल्क में एक मरतबा फिर, चूंकि हम देख रहे हैं कि रियासत जिस अंदाज से गासिबाना अंदाज सामने आई है, इस मुल्क में जमहूरियत एक नाटक है, इस मुल्क में कौमियतों के हुकूक एक नाटक है, बलूचिस्तान में जो ऑपरेशन गैर एलानिया 15-20 साल से जारी है उसमें लाखों लोग दरबदर हुए हैं, मारे गए हैं, सिंध के अंदर मिसिंग पर्सन आपको पता है किस तरह से है, जो पख्तूनख्वा में हमारे पख्तून भाइयों के साथ आग में धकेला गया उनको हमारे सामने है, पूरे मुल्क के अंदर जो अवाम की हालत है। तो जब रियासत इस कदर जबर की सूरत में अपने आप को लेकर सामने आई है एक नई तस्वीर और शक्ल में, तो मैं समझता हूँ कि तू तीर आजमा, हम जिगर आजमाए के हवाले से इस मुल्क की मजलूम कौमियतों और तबकात को अपनी नई नई सूरतें बनानी पड़ेंगी, और यही तरीका होगा मेंगल साहब और पलीजो साहब और तमाम इस मुल्क के बड़े रहनुमाओं को सही ट्रिब्यूट पेश करने का, कि हम वो सफबंदी असर नौ करें और उसका हिस्सा बने और इस मुल्क में उस अवामी मुतबादल सियासत को, अफकार को और एक तसलसल को, जदोजहद को, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जामी साहब, बहुत शुक्रिया, बड़ी जबरदस्त और तफसीली बातचीत आपने की, एंड थैंक यू फॉर योर टाइम। आई नो कि आप ट्रेवल कर रहे हैं और फिर भी आपने हमें ज्वाइन किया टाइम निकाल कर, थैंक यू फॉर योर कमिटमेंट एंड शोइंग अप। अभी मैं गुजारिश करूंगा डॉक्टर मोहम्मद तकी साहब को जो फ्लोरिडा से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और हाल ही में मैं जैसे मैंने पहले बताया कि उनका बड़ा अच्छा आर्टिकल छपा था फ्राइडे टाइम्स में मेंगल साहब की सियासी जिंदगी पर, तो आई वुड इनवाइट डॉक्टर तकी टू शेयर हिज व्यूज। ओवर टू यू डॉक्टर तकी साहब। बहुत शुक्रिया। जामी भाई की बात को ही थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ, आई वोंट टेक लॉन्ग, लेकिन कीमती बात उन्होंने की कि सरदार साहब अताउल्लाह मेंगल जैसी जिंदगियां जो हैं
उनकी वफात के बाद उनके कारहाए नुमाया जिंदगी के अहम मराहिल को याद करने का मकसद जो है वो सोग मनाना नहीं है बल्कि उस सियासी जद्दोजहद के तवातुर को कायम रखना है। अभी मैंने एक मीर तकी का एक शेर भी ट्वीट किया कि मत सहल हमें जानो फिरता है फलक बरसों, मत सहल हमें जानो फिरता है फलक बरसों, तब खाक के पर्दे से इंसान निकलते हैं। तो सरदार साहब अताउल्ला मैंगल, नवाब साहब खैर बख्श मरी, गौस बख्श साहब बिजंजो वली खान, ये तो जिस लेवल के लोग थे, ऐसी सरजमीन जिस पर अब सियासी बौने बचे हैं, ये ऐसे कदावर शख्सियात, नायाब नाबगैर रोजगार, तो उनको याद रखने का मकसद कुछ अपना ईमान ताजा करना है और कुछ ये के जो आने वाली जनरेशन है और जो मौजूदा नौजवान नस्ल है उनको इनके काम और जद्दोजहद से आगाही हासिल होती रहे। लेफ्ट के साथ तो मेरा ताल्लुक है ही, लेकिन कुछ चिश्ती सूफी सिलसिलों से भी मसर आया, तो हमारे यहाँ वहां पर एक रिवाज ये है कि जो वफात है वो उर्स की सूरत में मनाई जाती है, और उसमें सिर्फ उर्स जो है वो शेख का उर्स नहीं होता बल्कि उसमें पूरा शजरा चिश्तिया जो है वो दोहराया जाता है। तो मैं तो इस मौके को या अखबार में जो सरदार साहब की ओबिचुरी या अलविदाई ताजियती खाका है वो इस मकसद के लिए है ताकि इन बातों को याद रखा जा सके, और जो हालात पाकिस्तान के अंदर हैं उसमें अगर जो अच्छे काम हैं उसको याद नहीं दिलाया जाएगा, बताया नहीं जाएगा, तो जिस तरह की डार्कनेस वहां पर मुसल्लत की जाती है लोगों को अंदाजा ही शायद ना हो सके कि रोशनी किस तरह की चीज है, किस रोशनी कैसी होती है, या रोशन फिक्री रोशन ख्याली कैसी होती है। सरदार साहब की जिंदगी के दो तीन बातें जो हैं वो अहम है, और इकबाल साहब ने जामी ने दोनों ने इस तरफ इशारा किया कि जो कोशिश वो करते रहे कि जो छोटी कौमियतें पाकिस्तान के अंदर हैं और जिस तरीके का निज़ाम वहां पर तश्कील पा चुका है उसमें एक दूसरे के साथ काम किए बगैर शायद कोई चारा नहीं हो। नेशनल आवामी पार्टी तो जाहिर है कि सबकी नजर में है, लेकिन उसके बाद जब नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी बनी तो बहुत कम लोगों को शायद याद होगा कि सरदार अताउल्ला मैंगल उसमें भी थोड़ी देर के लिए शामिल हुए। मेरे ख्याल में वो आखिरी बड़ी पार्टी थी जिसमें सिंधी बलोच और पश्तून एक जगह इकट्ठे हुए। सरदार शेरबाज खान मजारी जब सदर बने तो हाकिम अली जरदारी साहब, बिजंजू साहब और सरदार मैंगल, ये सब लोग उसमें थोड़ी देर के लिए शामिल हुए, लेकिन फिर शिराजा पार्टी का भी बिखरा। सरदार साहब ने बाद में सिंध बलोच पश्तून फ्रंट की सूरत में भी एक कोशिश की, पीरजादा साहब अफजल बंगर साहब के साथ मिलकर 86-87 के आसपास, ये कोशिशें जो हैं वो कामयाब नहीं हुई, और पूनम की सूरत हाल भी जामी ने काफी तफसील उसका जिक्र किया कि इट रियली नेवर गॉट एनीवेयर। जो डायनेमिक बना हुआ है वहां पे इकबाल साहब पॉइंट टुवर्ड्स दैट के फौज का तसल्लुत जिस तरह है और एक नेशनल आर्मी का कैरेक्टर जैसे होना चाहिए वो नहीं है, और एक कलोनियल आर्मी का तसव्वुर, गुजारिश है कि वो तो खिश्ते अव्वल चुन नहद मैमार कज तासुरैया मीरावद मीनार कज, जो पहले दिन से हमारे और हिंदुस्तान के दरमियान मिसाल के तौर पर जो फर्क है, जवाहरलाल नेहरू एक्सटर्नल अफेयर के मिनिस्टर बने 1946 में, ये प्री पार्टीशन कैबिनेट में, तो एक खत उन्होंने लिखा उस जमाने के जो कमांडर इन चीफ थे सर फील्ड मार्शल सर क्लॉड ऑकेनलेक, वो नायाब खत है और पढ़ने से ताल्लुक रखता है। उसमें उन्होंने उनको जो कॉलोनियल आर्मी की कंपोजिशन और मार्शल रेसेस के जो कॉन्सेप्ट थे उससे हटकर एक नेशनल आर्मी को बनाने की इंस्ट्रक्शंस दी, एंड दैट्स हाउ दे इवॉल्व्ड। ऑन द अदर हैंड व्हाट वी गॉट वाज अ टॉप हैवी पंजाब हैवी आर्मी, और हमारा भी उसके अंदर उस जमाने का नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से भी उसमें बहुत हिस्सा रहा है, और वही डायनेमिक जो है वो चलता रहा। अल्टीमेटली वो इस नहज पे बात पहुंच गई है कि जिसको हम कभी पंजाब का तसल्लुत कहते थे वो फौज का तसल्लुत इस हद तक पहुंच गया है कि वो पंजाब
के वोटों को भी मानने के लिए तैयार नहीं है, जो जो सलूक उन्होंने मियां नवाज शरीफ के साथ किया है। तो सरदार साहब की जिंदगी से अगर कुछ अखज करना है तो वो सिर्फ यही है कि जब तक तमाम कौमियतें और तमाम सूबों के लोग जो है वो मिलकर इकट्ठे होकर जमहूरी जदोजहद नहीं करेंगे तो ये जो 100 पाउंड का या 800 पाउंड का गुरीला कमरे के अंदर है उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता, यहाँ पे बुजुर्गान दीन मौजूद हैं जिनसे मैं सुनने का मुश्ताक हूँ, वो लोग जो सरदार साहब के जेल के साथी हैं, फरसाब खटक साहब या कैंपेन्स के साथी हैं, यूसुफ भाई मस्ती खान, मेरे उस्ताद राशिद साहब, तो मैं यहीं पे बात को रोकता हूँ। लेकिन यह है कि ये सिलसिला बड़ा जरूरी है, गाहे गाहे बाज खाना किस्सा पारी ना रहा, ताज़ा खाही दाश्तन कर दाग खाए सीना रा। तो इजाजत लेता हूँ, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तर्जुमा बता दें प्लीज, जो आखिर में आपने पढ़ा। हाँ जी, तो तर्जुमा उसका यह है कि कभी कभी आहिस्ते आहिस्ते जो है उस पुराने किस्से को दोहराते रहा करो अगर सीने के दागों को ताजा रखना चाहते हो। जब तक सीने की खलिश जो है वो ताजा नहीं रहेगी तो फिर कैंपेन और जद्दोजहद की तरफ जो है आदमी मुतवज्जो ही नहीं होता, ख्वाहिश नहीं पैदा होती, दाग होगा तो फिर उसको बुझाने की जस्तजू भी होगी। Zabardast, zabardast. Bahut shukriya, Dr. Mohammad Taqi sahab. It's always such a pleasure listening to you and very educating. Thank you. Ab main daawat dunga, agar Shakila Naveed hamare saath hain, main somehow unko dekh nahi pa raha hoon screen pe. She is a member of Balochistan's Provincial Assembly aur BNP ki wo rehnuma hai. आज के सेशन में क्योंकि हम चाह रहे थे कि कुछ ख्वातीन स्पीकर्स भी हों, सिर्फ मर्द हजरात जो हैं वो मैगल साहब की ज़िंदगी पे रोशनी ना डालें बल्कि जो उनका रोल है इन प्रमोटिंग वुमेन इन पॉलिटिक्स, तो हमने सोचा था कि शकीला में ज्वाइन करेंगी। आर यू, आप हैं शकीला हमारे साथ? परहैप्स नॉट येट। तो आई विल मूव ऑन टू माई लीडर, अवर very old political friend, कई दिहाइयों से हमने साथ काम किया है, उनके हमने नारे भी लगाए हैं और हमारे रहनुमा हैं, यूसुफ मस्ती खान साहब अवामी वर्कर्स पार्टी के सरबराह हैं और हालांकि उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है लेकिन आई एम रियली थैंकफुल कि उन्होंने हमारी गुजारिश में आज ज्वाइन किया है। यूसुफ मस्ती खान साहब, ओवर टू यू, आप बात कीजिए। और हम बात कर रहे हैं सरदार अताउल्लाह मेंगल साहब की सियासी जिंदगी पर, उनके आइडियल्स पर और उनकी लेगेसी पर। सबसे पहले तो मैं आप सब साथियों का शुक्रगुजार हूं कि आप लोगों ने मुझे यह मौका दिया कि मैं सरदार अताउल्लाह मेंगल जैसे अजीम शख्सियत के बारे में कुछ कह सकूं। जाहिर है मुख्तलिफ दोस्तों ने मुख्तलिफ हवालों से बात की। मैं समझता हूँ कि जिस वक्त पाकिस्तान बना था तो उस वक्त ये दुनिया दो कैंपों में बटी हुई थी, एक सोशलिस्ट कैंप था, एक इंपीरियलिस्ट कैंप था। और उस ज़माने में जो कौमी तहरीकें चली थी नैप के शक्ल में, तो वो तहरीकें एंटी इंपीरियलिस्ट और तबकाती जद्दोजहद के साथ जोड़कर कौमी सवाल को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे थे। खासकर नैप जो है, नैप मेरे ख्याल में सबसे वाहिद वो जरिया था जिसमें पश्तून, बलोच और सिंधियों का अखट था एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के अंदर, और वो उसके टूटने से काफ़ी मसाइल पैदा हो गए। लेकिन हमारे लीडरशिप जो थी सरदार अताउल्लाह की शक्ल में या मीर गौस पक्ष बीजेंजो की शक्ल में, सरदार अताउल्लाह वो शख्स हैं जिसको उसकी कबाइल ने, पहला सरदार है जिसके कबाइल ने वोट देके उसको सरदार बनाया, उसको वोट दिए, वो यंग था काफ़ी, लेकिन गवर्नमेंट ने कोई और सरदार मुकर्रर किया था तो ये जब गए वड तो इसको इनके वालिद ने कहा मत जाओ वहाँ, आपके साथ ज्यादती होगी, ये होगी। तो लेकिन सरदार साहब जैसे आप जानते हैं नडर दिलेर शख्सियत थे, तो वो सीधा चले गए वड और वड में उसके पूरे कबाइल ने उसको यूनानिमसली वोट करके सरदार बनाया और इस तरह गवर्नमेंट की एक स्कीम जो है उसको शिकस्त हुई। जाहिर है मीर गौस पक्ष बीजेंजो का बड़ा असर था सरदार अताउल्लाह के ऊपर और उसकी सियासत पे। मीर गौस पक्ष बीजेंजो वो शख्सियत थे जिसने पाकिस्तान के अंदर अलाक की मुखालफत की थी बलूचिस्तान असम्बली के अंदर, और वो जाहिर है लेफ्ट ओरिएंटेड भी थे
और इस तरीके से तो सरदार अताउल्ला भी उनसे काफ़ी मुतासर थे, मीर गौस बख्श से, और उसी हवाले से सियासत में आए थे, खुद खैर बख्श भी उसी हवाले से सियासत में आए थे। लेकिन सरदार अताउल्ला की एक एक लोगों को जमा करना उसका उसका एक जो है इतना ज़बरदस्त आर्ट था कि वो लोगों को जल्दी जमा भी कर सकते थे और यूमरस भी थे, यानी अपनी तहरीक को ह्यूमर के हवाले से भी कभी कभार वो बयान करते थे, बड़े ह्यूमरस थे और बड़े दिलेर थे। मुझे याद है जब ये मंगोफीर में रहते थे, इनका मकान मंगोफीर में था, बड़ी खस्ता हालत में थे और बड़े मुश्किलात में थे, लेकिन ये है कि अयूब खान की मुखालफत में वो खड़े रहे सीसा पी भाई दीवार की तरह और मुखालफत करते रहे। जब भुट्टो का दौर आया 70s में, ज़ाहिर है नैब की इलेक्टेड गवर्नमेंट को डिसॉल्व किया गया, और वहाँ पे जो है मुझे याद है जब चीफ मिनिस्टर बने सरदार अताउल्ला, तो एक दिन मैं उसके पास गया तो उसके पास एक शख्स बैठे हुए थे, उसका नाम था मुमताज़ सुबरो, शायद किसी बैंक में काम करते थे क्या कहीं। तो मुझे कहा यूसुफ आओ आओ देखो ये नई बात कर रहा। मैंने कहा क्या कह रहा। कहता ये इसने मुझे 1957 में कहा था कि जी 70s में पाकिस्तान टूटेगा, बंगाल अलग हो जाएगा, और इसकी पेशिंग हुई सही निकली। अब मुझे कह रहा है कि कुछ महीनों के लिए आप वजीर आला हैं, उसके बाद जेल जाएंगे और यहाँ पाकिस्तान आर्मी एक्शन होगा आप लोगों के खिलाफ और आप जेल में होंगे, और ये कुछ अरसे के लिए आप हैं, ज्यादा खुशी आपको नहीं मनानी चाहिए क्योंकि ये कुछ अरसे की बात है, आपको निकाला जाएगा। तो बहरहाल हमने भी उनसे सुना, तो उन्होंने हमने फिर उनसे पूछा कि जी आप ये कैसे कहते हैं। मुमताज़ सुबरो साहब कहते हैं मेरा नेचुरल बॉर्न है कि मैं किसी चीज़ के बारे में या किसी शख्स के बारे में सोचता हूँ तो कुछ तस्वीरें आती हैं जिसको मैं रीड करता हूँ और कह देता हूँ कि ये है। तो सरदार अताउल्ला जिस तरीके से डटे रहे उस पूरे दौर में जुल्म के खिलाफ, जबर के खिलाफ, इन सब के खिलाफ, लेकिन मुश्किल बात यह है कि जिस दिन पाकिस्तान बनता है, आप देखेंगे कि जब जैसे पाकिस्तान बनता है, पाकिस्तान बनते ही सबसे पहले निशाना जो है यहाँ की इंडिजिनियस लीडरशिप होती है, गफ्फार खान की शक्ल में, वली खान की शक्ल में, बिजन जोर साहब की शक्ल में, जी एम सैयद की शक्ल में, ये सारा जो इंडिजीनियस लीडरशिप थी जो अंग्रेज के जमाने में भी सियासत करती रही और एंटी इंपीरियलिस्ट सियासत करती रही, इनको दबाना शुरू कर दिया रियासत ने और रियासती इदारों ने, फौज ने, और खासकर फौज ने जब सीटो सेंटो और बगदाद पैक्ट पे दस्तखत किए, तो उसके बाद अमेरिका ने ये कह दिया कि भाई ये जो है सरदार अताउल्ला मेंगल हो, बिजन जो हो, नैप हो, ये प्रो सोशलिस्ट हैं, प्रो सोवियत हैं, इसलिए इनके ऊपर नजर रखी जाए और इनको उभरने ना दिया जाए। तो उनको उभरने नहीं दिया इस मुल्क के अंदर, जो इंडिजीनियस पॉपुलेशन था, इंडिजीनियस लीडरशिप थी, मियां इफ्तखारुद्दीन थे पंजाब के अंदर, उसकी एक बहुत बड़ी जद्दोजहद थी इसके खिलाफ, जमहूरियत के लिए और निचले तबकात के लिए। तो ये सबको बिगाड़ के रख दिया पाकिस्तान जब बना, तो क्योंकि पाकिस्तान बिल्कुल चला गया इंपीरियलिस्ट कैंप के अंदर, और इंपीरियलिस्ट कैंप के अंदर जब गया तो उसका पहला निशाना यही NAP थी, जिसमें कौमियतों के हकूक भी का मुतालबा कर रही थी और साथ साथ मजलूम तबकात का भी मुकाबला कर रही थी। तो इनको रूस का एजेंट, इंडिया का एजेंट, फलाना एजेंट कह के इनको बिल्कुल दीवाल से कर दिया। वो इतनी मायूसी में आ गए नैप बनाने के बाद कि फिर वो इलाकाई पॉलिटिक्स में चले गए, जो मैं समझता हूँ हमारे लिए नुकसानदेह साबित हुआ कि इलाकाई पॉलिटिक्स में चले गए और उन्होंने इलाकाई पॉलिटिक्स को ज्यादा अहमियत दी। और सरदार अताउल्ला मेंगल इतने इंस्पायरेशनल शख्सियत थे कि हम जब जाते थे उनके साथ बैठते थे, गपशप मारते थे, तो हमें हिम्मत होती थी। हम अपना उस जमाने में स्टूडेंट्स थे, यंग थे, तो उसके जो बातों से हमें जो इम्पीटस मिलता था और जो करेज मिलता था, उसको फिर हम ग्राउंड में आके जलसे जुलूसों की शक्ल में हम उसको कन्वर्ट करते थे। तो सरदार साहब बहुत अजीम एक शख्सियत थे। आप देखेंगे कि कहते हैं सरदार काम नहीं करते, लेकिन सरदार अताउल्ला की मेंगल की वजारत आला के ज़माने में और मीर गौस बख्श बीजन जो गवर्नर थे उस ज़माने में, बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी भी बनी, वो खुजदार की इंजीनियरिंग कॉलेज भी बने,
चमन में भी एग्रीकल्चरल कॉलेज बने, तो एजुकेशन पे इन्होंने ज्यादा जोर दिया। और मुझे याद है इन्होंने मुझे कहा एक दफा, आपके जो वाइस चांसलर हमारे बने थे बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के, उन्होंने मुझे बताया कि सरदार अथावला ने फोन किया, तो मैंने कहा कि जी मेरा फोन तो कटा हुआ था, ये कैसे आ गया? कहा जी मैं वजीर आला हूँ, आखिर आपसे बात कर रहा हूँ, आप मेहरबानी करके आके हमारा तालीमी माहौल जो है वो संभालें, वो आप ही संभाल सकते हैं और कोई नहीं संभाल सकता। तो वो फिर वहां जाके बने वाइस चांसलर, उन्होंने इसको बढ़ाने की कोशिश की तालीम को लोगों को, लेकिन नैब की हुकूमत के बाद वो भी रिजाइन करके चले गए, क्योंकि उन्होंने कहा कि सरदार अताउल्ला अब नहीं है, मीर गौसपक्ष बीजें जो नहीं है, अब नए आने वाले लोगों को तो तालीम से कोई वास्ता नहीं है, तो लिहाजा वो इस्तीफा देके वापस आ गए कराची। तो सरदार अताउल्ला हम सबको, नौजवानों को हमको करेज देते थे, इंस्पायर करते थे फॉर टू फाइट फॉर योर राइट्स, फॉर द राइट्स ऑफ बलोच, सिंधी, पश्तून एंड दी ऑप्रेस्ड क्लासेस। तो वो अब इतना बड़ा नुकसान हो गया खुद पॉलिटिक्स के अंदर, मैं समझता हूँ कि सरदार अताउल्ला के जाने के बाद वो सारा खेप जो है, जो उस जमाने में लेफ्ट की पॉलिटिक्स या नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स को लेफ्ट ओरिएंटेशन में ले जाके और करते थे, वो सारा खेप अब खत्म हो गया है। अब जाहिर है नए सिरे से हम सबको सोचना पड़ेगा कि हर वक्त तो हम सीना को भी नहीं कर सकते, हमने अपने कौम का सोचना है, हमने लोगों का सोचना है, उसके लिए जरूरी है कि हम, मैं समझता हूँ, नए टाइप की एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाएं और हम इस खोल से निकलें। इन खोल जो हमने बनाए हुए हैं कि सिंध की अपनी सिंधी पार्टियां होंगी और बलोचिस्तान की अपनी बलोच पार्टियां होंगी, पश्तूनों की अपनी पश्तून पार्टियां होंगी, तो इस तरह हम अगर जुड़ेंगे नहीं और नैप की तरह अपने जद्दोजहद को मुश्तरक करके आगे नहीं चलाएंगे तो हमारे लिए बड़े मुश्किल होंगे। जाहिर है ये मुल्क बना तो उस वक्त जब दूसरी जंग अजीम खत्म होती है, तो ट्रूमैन चर्चिल को कहता है कि नाउ यू गो आउट ऑफ द कॉलोनीज, यू इनको इंडिपेंडेंस दे दो कॉलोनीज को। चर्चिल उसको कहता है कि नहीं, असली जंग तो अब शुरू है, क्योंकि सोवियत यूनियन जो है वो मौजूद है, उस वक्त हमारा अलाई था, अब फासिज्म को शिकस्त हुई है, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन सोशलिज्म होगा, इसके लिए हमें एक फ्रंटलाइन स्टेट बनाना है, मुस्लिम फ्रंटलाइन स्टेट बनाना है जो सोशलिज्म के खिलाफ हम उसको लड़ा सकें, क्योंकि इंडिया तो सोशलिस्ट कैंप में चला गया है, वो तो अब हमारे काम का नहीं है। तो फिर ये डिविजन्स अचानक आप देखेंगे जल्दी जल्दी हो गए और पाकिस्तान बना, और फिर पाकिस्तान का रोल आप देखेंगे कि इस रियासत का वो वही रहा जो इंपीरियलिज्म को सर्व करता रहा और उसी को आगे ले जा रहा। जो रेजिस्टेंस थी वो वली खान की शक्ल में, अताउल्ला मेंगल की शक्ल में, मीर साहब की शक्ल में ये मौजूद थी, लेकिन ये अब कमजोर हो चुकी थी, खासकर सोवियत यूनियन के बिखरने के बाद। नेशनल क्वेश्चन जो है उसको वो अब फोर्सफुल एक सपोर्ट बेस नहीं मिला, लेकिन सरदार अताउल्ला ने उस झंडे को फिर भी जलाए रखा, उस दिए को, और अपनी कोशिश में वो लगे रहे, और अपने बेटे को भी उसने इसमें लाके इस जद्दोजहद में लाया। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जद्दोजहद हमारी सरदार अताउल्ला मेंगल को खिराज अकीदत पेश करने का वाहिद तरीका ये है कि हम दोबारा नैप टाइप की एक मूवमेंट बनाएं। और चूंकि अफगानिस्तान में इस वक्त जो हालात हैं आप देख रहे हैं, वहां ये आ गए हैं हमारे फंडामेंटलिस्ट, तो उनके असरात यहाँ भी आएंगे, यहाँ आएंगे, हमारे ऊपर सबसे ज्यादा जोर पड़ेगा अगर हम अलग अलग रहे और अलग अलग अपनी सियासत करते रहे, तो हमारे ऊपर उसका बोझ ज्यादा पड़ेगा, और फिर ये सरदार अताउल्ला को खिराज तहसीन कर दिखाने का भी एक ही वायद हल है कि हम नैब को टाइप की पार्टी दोबारा खड़ी करें और मुश्तरक जद्दोजहद में आगे बढ़ें, ताकि सरदार अताउल्ला की वो सामने आए। बहुत शुक्रिया आपका यूसुफ वसी खान साहब, बड़ी तफसीली बातें की और बड़े रिलेवेंट और अहम सवालात आपने उठाए हैं। आज
आज की गुफ्तगु में, क्योंकि हमने किसी को एज सच सब्जेक्ट नहीं दिया बोलने के लिए, वी लेफ्ट इट ओपन, क्योंकि हम सुनना चाहते थे आप तमाम दोस्तों को जिन्होंने एक जिंदगी का वक्त गुजारा है सियासी सफर में अताउल्लाह नेगल साहब के साथ, तो हमने किसी को भी एक फोकस्ड एरिया नहीं दिया, लेकिन आपके सवाल बहुत अहम हैं। आई होप के जो हमारे आने वाले स्पीकर हैं अगर वो चाहें तो उन पर बात कर सकते हैं। अब मैं दावत दूंगा बलूचिस्तान की एक हम जिसको बड़ी नौजवान और बड़ी इन्फॉर्म्ड वॉइस कहते हैं, सेनेटर भी रह चुके हैं सनाउल्लाह बलोच, बलूचिस्तान के बारे में इतनी आगही मीडिया से नहीं मिलती जो इनके ट्वीट से और वीडियो से और पोस्टिंग से मिलती है, तो आई वुड लाइक टू इनवाइट सनाउल्लाह बलोच साहब जो मेंबर है बलूचिस्तान प्रोविंशियल असेंबली के और BNP के रहनुमा है। ओवर टू यू सनाउल्लाह बलोच साहब। थैंक यू वेरी मच राजपाल साहब। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन इन द US और गुड इवनिंग जो हमारे पाकिस्तान से या यहाँ सब कॉन्टिनेंट से मिडिल ईस्ट से कोई दोस्त कोलीग्स अगर कनेक्टेड हैं। सबसे पहले ये है कि मुश्ताक भाई, ये तो बड़ी ज्यादती है, मुझसे पहले आपने जितने भी सीनियर हमारे दोस्त थे इन सब की मौजूदगी में मेरे लिए तो बहुत मेरे ख्याल में मुश्किल काम है कि सरदार अताउल्लाह खान मेंगल साहब की जो है जिंदगी पर बात करूँ। वहीद बलोच साहब मेरे सीनियर हैं, मस्ती खान साहब हमारे भी आइडियल हैं पॉलिटिकली, आफरा सियाब खान साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं, इकबाल तरीन साहब ने जिस तरह बात की, तकी भाई को तो इसी तरह जिस तरह आपने कहा कि बिलमुशाफा मुलाकात नहीं हुई लेकिन उनके जो आइडियाज़ हैं जिनको हम अखबारात के ज़रिए से, ट्वीट के ज़रिए से, सोशल मीडिया के ज़रिए से पढ़ते हैं, तो ये जितने भी यहाँ पे कुलीग बैठे हैं बिलखसूस सैफ समझो साहब का भी शुक्रिया कि उन्होंने थोड़ी सी जो सरदार अताउल्लाह मेंगल साहब को खूबसूरत रंग में जो ट्रिब्यूट पेश किया, तो इसके बाद बहुत मुश्किल होता है। खासकर जामी चांडियो साहब को तो मैं दाद देता हूँ, बहुत मुश्किल होता है, मैं जब ट्रैवलिंग कर रहा होता हूँ इवन मैं फ़ोन कॉल भी अटेंड नहीं कर सकता, इसलिए कि आपकी कंसंट्रेशन का जो लेवल है वो बहुत कम हो जाता है। तो जामी चांडियो साहब को आज मैं दाद देता हूँ कि वो इसके न सिर्फ फेडरलिज्म के माहिर हैं बल्कि वो गाड़ी में बड़ी अच्छी गुफ्तगु और ज़ूम को भी हैंडल कर लेते हैं। तो जामी साहब ने बड़ी खूबसूरत बातें की। सरदार अताउल्लाह मेंगल साहब की जिंदगी पर मैंने बड़ा कम वक्त अरसा उनके साथ गुजारा, उनका जो शबाब के दिन थे, जो ए डेज थे उनके, जो जवानी के जिसमें उन्होंने जद्दोजहद शुरू की, पर्टिकुलरली जब उन्होंने 1960s में या 1958 के बाद बड़ी एक्टिव पॉलिटिक्स में जब हिस्सा लिया, 1962 में वो मेंबर नेशनल असम्बली बने जब बलोचिस्तान से सिर्फ दो ही असम्बली के मेंबर थे, अयूब खान की आमरियत थी, आप अंदाजा लगाएं। और ये वो अरसा था जब पूरी दुनिया में जो है बहुत बड़ी तब्दीलियां आ रही थी, पर्टिकुलरली आप लोग जो US में सारे बैठे हैं आप लोगों को 1960s का इरा तो याद होगा, जॉन एफ कैनेडी का जो है जो एक न्यू फ्रंटियर की बात उन्होंने की, उन्होंने जो है इनइक्वलिटी को ख़त्म करने की बात की, डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने की बात की, साथ में मार्टिन लूथर किंग का जो है कि एक्टिविटीज थी, फिर उनकी असैसिनेशन हुई, ये वो दौर था जिसमें आप अमेरिका से लेकर अफ्रीका तक से लेकर पूरी दुनिया में कौमी तहरीकें हकूक के लिए, इंसाफ के लिए, जद्दोजहद के लिए वो बड़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहे थे। और इसीलिए सरदार अताउल्लाह मेंगल साहब के बारे में मस्ती खान साहब ने जिस तरह बात की कि वो बहुत यूमरस भी थे, बहुत विजनरी भी थे, जामी साहब ने बात की बहुत काम भी थे, मतलब अगर आप उनकी सारी उनकी शख्सियत को जब अगर कभी आप उनके पास बैठते थे आपको ऐसे लगता था जैसे उसमें उन्होंने बहुत सी चीज़ों का तजर्बा, बहुत सी चीज़ों का जो है निचोड़ उनके उनके किरदार में था। और मैं खुद भी कभी कभी, हम खुद भी पॉलिटिक्स करते हैं, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि हम कभी अगर पब्लिक पे फोकस करते हैं तो हमसे रीडिंग और राइटिंग रह जाता है, अगर हम रीडिंग और राइटिंग पे फोकस करते हैं अपना तो हमसे फिर पब्लिक के पॉलिटिक्स या दूसरी चीज़ें रह जाती हैं या जनरली और हमारे इश्यूज रह जाते हैं। तो कहने का मकसद ये था कि मैं खुद कभी कभी हैरान हूँ कि उन्होंने कितनी मेहनत की होगी या कितनी कुर्बानी दी होगी कि जब उन्होंने सबसे ज़्यादा 11 साल 11.5 साल के करीब जेल का में वक्त गुजारा, फिर उन्होंने जब अपने आलम शबाब में सियासत शुरू की 1962 में जब उन्होंने वो पहली स्पीच उस वक्त की जो नेशनल असम्बली थी वहाँ पर दिया, वो मैंने अपनी असम्बली की अभी रिसेंटली जब उन्होंने उनको ट्रिब्यूट पेश किया उनके हवाले से एक करारदाद बलूचिस्तान असम्बली में पेश किया, तो मैंने उनके तकारीर के कुछ हवाले दिए और मैं इससे पहले भी पढ़ता था लेकिन जब पर्टिकुलरली मैंने दोबारा वो रीड किया तो आपको ऐसे लगता है कि जैसे वो आज के बलूचिस्तान में रहकर बात कर रहे हों या आज के पाकिस्तान में रहकर बात कर रहे हों, जिस मुदल्लिल अंदाज में, जिस खूबसूरती से अल्फाज का चुनाव, फिर उसके बाद ख्यालात का चुनाव,
फिर आईन और कानून के दायरे में रहकर, मतलब मैं आपको कहता हूँ कि यकीनन हमारे पास सारे एक्सेस है, हमारे पास आज टेक्नोलॉजी है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन कभी कभी उस लेवल की कामनेस, उस लेवल की अंडरस्टैंडिंग, उस लेवल की जो का पैशन है, वो अभी अभी मुझे किसी में नज़र नहीं आता। वो कि लोग बहुत तवक्को करते हैं कि जी बलूचिस्तान में कोई शायद या पाकिस्तान में इस लेवल का कोई लीडर उभर के सामने आए, लेकिन ये नामुमकिनात में से है। उसकी वजह ये है, हो सकता है कि हम सब अपने कैरेक्टर्स में डिफरेंट हैं। वो जिस अरसे में, जिस अशरे में, जिस वक्त में उनकी तरबियत हो रही थी या जिस अशरे में वो सियासत कर रहे थे, वो उस वक्त में पूरी दुनिया में इन्वायरमेंट और था। वियतनाम में लड़ाई हो रही थी, सोशलिज्म और सर्द जंग अपने आबोताब में था इस पूरी खित्ते में। फिर साथ में जो बांग्लादेश के बाद, यानी 1962 में जब वो पार्लियामेंट के मेंबर थे, पाकिस्तान की उम्र जो है सिर्फ 15 साल थी। सरदार अताउल्लाह मेंगल 30 साल के थे और पाकिस्तान 15 साल का था। तो वो एक बहुत बड़े कश्मकश में मुब्तला थे कि एक 15 साल रियासत जिसकी उम्र हो गई थी, और वो 15 साल रियासत जो है हजारों सालों पर मुश्तमिल मुहित रियासतों की, कौमों के हकूक के बारे में वाकई नहीं रखता, और वो 15 साल रियासत कोशिश कर रहा है किसी न किसी तरीके से कि इन कौमों के हकूक को सल्ब करे, जबकि पूरी दुनिया में राइट्स की मूवमेंट, लिबर्टी की बातें हो रही थी और दुनिया के अंदर सिविल राइट्स की बातें हो रही थी। तो मेरे ख्याल में सरदार अताउल्लाह मेंगल साहब एक ऐसे अशरे में कर वक्त में पैदा हुए, फिर उन्होंने जद्दोजहद की, दैट वॉज अ वेरी डिफरेंट पीरियड। मुझे पर्टिकुलरली मुझे याद है जब मैं स्टूडेंट लाइफ में था 1989 में, मैं BSO का बहुत ही जूनियर मेंबर था। वहीद बलोच साहब हमारे भाई बड़े हैं, बहुत सीनियर हैं हमसे, उनकी सियासी जद्दोजहद। वो उस वक्त BSO के मरकजी सेक्रेटरी जनरल थे। 1989 में जब सरदार अताउल्लाह खान मेंगल साहब पहली दफ़ा आए, तो मैंने गाड़ी में उनका सिर्फ एक एक शब्द या एक चेहरा देखा। फिर MP हॉस्टल गए, तो वहाँ पर जब हमारी रिसेप्शन वगैरह हुई, उसके बाद फिर कंटिन्यूसली मुझे ज़्यादा वक्त उनके साथ काम करने का मौका मिला 1996 और 1997 के बाद, जब बलूचिस्तान में हमने बलूचिस्तान नेशनल पार्टी बनाई। और ये सरदार अताउल्लाह मेंगल साहब की ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी तहरीक बने, यानी नैब की तर्ज पर तहरीक बने, और उन्होंने इसकी शुरुआत बलूचिस्तान नेशनल पार्टी से किया। जब उन्होंने तमाम बलूचिस्तान के वो जो तमाम तबकात थे, जो एक दूसरे से नाराज थे, एक दूसरे से दूर थे, उनको करीब लाने की कोशिश में, उनमें करिश्मा बहुत था, बहुत ही करिश्मेटिक कैरेक्टर की पर्सनैलिटी थी। मसलन हमारे यहाँ बलूचिस्तान में आजकल छोटे छोटे हमारे यहाँ नाराजगियाँ होती हैं, कोई इस लेवल का लीडर नहीं है, कोई इस लेवल का कैरेक्टर नहीं है, कोई इस लेवल का शख्स नहीं है कि वो इन छोटी छोटी नाराजगियों को या बड़ी बड़ी नाराजगियों को भी खत्म करके लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे ले आए। उन्होंने जालवान के दोबारा सारे सरदारों को एक साथ बिठाया, सरावान के सरदारों को साथ बिठाया, बलूचिस्तान के अंदर जो भी पोलिटिकल डिवाइड था पोलिटिकल क्लासेज में, जिसमें बहुत बड़ी मेजोरिटी थी, वहीद बलोच साहब भी इन फाउंडर्स में शामिल थे। तो ये सारे लोगों ने मिलकर जब बलूचिस्तान नेशनल पार्टी बनी, एक दो साल स्ट्रगल करते रहे, लेकिन आपको तो पता है कि एक्सटर्नल फोर्सेस बहुत ज़्यादा उनका प्रेशर होता है। वो पार्टी बहुत देर तक एज ए इंटैक्ट नहीं रही। 1999 में बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मुनकसम हुआ, और वो पहले विजनरी शख्स थे, जिस तरह जामी चांडियू साहब ने कहा कि पूनम की जद्दोजहद शुरू हुई। और मुझे याद है कि पूनम की सारी बहुत सी चीज़ें कभी कभी बाकी दोस्तों के साथ साथ वो मुझे भी कभी कह देते थे कि सना आपने ये चीज़ लिखनी है, आपने ये करारदाद लिखनी है, आपने जो है ये चीज़ इस सिलसिले में जो मामलात हैं इस पे आप लोगों ने तहरीर और चीज़ें शुरू करनी है। तो उस वक्त मैं कौमी असम्बली का मेम्बर भी था, मुशर्रफ की आमरीत भी आ गई थी 1999 में, और सरदार अताउल्लाह मेंगल साहब का ये था कि वो तकरीबन अय्यूब खान की आमरीत उन्होंने के जबर और तसल्लुत को और तशद्दुद को या उनकी जो ज्यादतियाँ हैं वो उन्होंने खुद सोबतें बर्दाश्त की। फिर उसके बाद जनरल ज़ियाउल्लाह का जो बदतरीन माशाल्लाह था, हैदराबाद की और सिंध की जेलों में रहे, क्योंकि सिंधी अच्छी बोल लेते थे, और इसीलिए मेरे ख्याल में आज के इस मजलिस में सिंधी, बलोच, पश्तून बड़ी तादाद में मौजूद हैं, लेकिन बाकी कौमों के लोग भी शायद सरदार अताउल्लाह मेंगल के उस जद्दोजहद से मुत्तफिक के इतफाक करते हैं, लेकिन क्योंकि सिंध के साथ उनका बहुत बड़ा एक जज्बा था, एक ताल्लुक था, एक वास्ता था। तो फिर जब हैदराबाद की जेल में रहे, जो सख्तियां उन्होंने सही वहां पे, उसके बाद जब मुशर्रफ का दौर आने ही वाला था, मैं ये कहूँगा कि मतलब उन्होंने बिल्कुल वो इतने विजनरी थे कि जब नवाज शरीफ के आखिरी अदवार में उन्होंने ये बात महसूस की, क्योंकि मुझे याद है
मुख्तलिफ डिस्कशन जब हुआ करते थे तो उस वक्त नवाज शरीफ की जिस तरह की सियासी रविश थी, हम इतने तो संजीदा नहीं थे, ना या हमारे पास इतनी विजन थी ना इतनी नॉलेज के। तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में माशाल्लाह या पाकिस्तान में बहुत बड़ी आमरीत का एक और दौर आने वाला है। तो हम कभी कभी समझते थे अब तो आमरीत आ ही नहीं सकती, अब दुनिया बहुत आगे बढ़ गई है, हर वक्त हम यही समझते हैं। लेकिन वो जब अब मेरे ख्याल में माशाल्लाह की आमद से कबल ही उन्होंने सारा होमवर्क कर लिया, अजमल खटक साहब को साथ मिला लिया, महमूद खान अचकजी साहब को मिला लिया, सिंध के जितने नेशनलिस्ट हैं उन्होंने पाकिस्तान अप्रेस नेशनल मूवमेंट का कयाम अमल में लाया। फिर जब हमने वहाँ पर इस्लामाबाद में सिलसिले में सेमिनार शुरू किए, कॉन्फ्रेंसेस शुरू किए, पूरे पाकिस्तान में किए, बड़ी अच्छी तहरीक बनी। और उसका जो उसके सारे जो फॉर्मेट्स वगैरह थे डेवलप करने में, लिखने में, हमने भी उनके साथ बड़ा किरदार अदा किया, बाकी लोग भी दोस्त थे। इसी दौरान मैंने जब अपनी एक किताब लिखी मजलूम बलोचिस्तान के नाम से, वहीद बलोच साहब को याद होगा शायद, तो मैंने सरदार अताउल्लाह खान मेंगल साहब को कहा कि आप इसका पेश लफ्ज लिखें। कहता यार हमसे कोई तकरीर करवा लिया करो, ये किताबी काम हमसे नहीं करवाया करो, ये किताब क्या पेश लफ्ज क्या होता है और ये प्रोलॉग क्या होता है। तो मैंने कहा सरदार साहब आप लिखेंगे तो किताब को कोई पढ़ेगा? कहता है नहीं, तुम अच्छे बच्चे हो, तुम्हारी किताब लोग पढ़ेंगे, तुमने बड़ा अच्छा किरदार। उस वक्त मैं आई जस्ट स्पेंड ओनली 2 years इन नेशनल असेंबली, उस वक्त मैं सेनेटर भी नहीं था। तो कहता नहीं तुम्हारी चीजें लोग तुम पे ट्रस्ट करते हैं, पढ़ेंगे, उनकी मोहब्बत थी। तो फिर वहीद बलोच साहब को शायद याद होगा कि वहीद साहब को मेरे ख्याल शायद उन्होंने बिठाया और कुछ मुझे एक रफ सा पेपर बना के दिया, वो कोई 1.5 से 2 सफ़े का है, वो किताब अभी आउट ऑफ प्रिंट है, मैं कोशिश करूंगा। तो उन्होंने उसका जो है पेश लफ्ज जो है प्रोलॉग जो है उन्होंने सरदार साहब ने लिखा। बाद में वक्त गुजरते गए, पार्टियां टूटती गईं, पाकिस्तान में बड़ी तब्दीलियां आई। उनके एक चीज उनमें था कि वो कभी मायूस तो नहीं होते थे, लेकिन ये है कि वो ओवरऑल पाकिस्तान के पॉलिटिकल जो भी डेवलपमेंट्स थी, जब हम यूनिटी की बात करते थे, जब हम एक नैप की तरफ पर कोई बहुत बड़े एक नए प्रोग्रेसिव नेशनल पॉलिटिकल पार्टी की बात करते थे, तो उनका यही था कि ये जिम्मेदारी अब आने वाली नस्लों की है, आप नौजवानों की है, आप में से कोई इनिशिएटिव ले लें। आप क्यों सारी जिंदगी ये सोचते हैं कि हम ही बैठ के आपके लिए बनाए, हमने नैप बनाया, इसके बाद अगर आप समझते हैं कि हमने कुछ अच्छे काम किए थे वो आप उनको फॉलो अप करें, आप उनके तर्ज पर या उनसे कोई बेहतर तर्ज पे जो है आप सियासी जमातें बनाएं। और मेरे ख्याल में वो एक वाहिद पैगाम था जो देना चाहते थे कि हम अपने बुजुर्गों से, या आज वो रहलत फरमा गए हैं, हमारे दरमियान मौजूद नहीं है, हम हमेशा ये तवक्को करते हैं कि हमारे बड़े हमारे लिए काम करें, हमारे बुजुर्ग हमारे लिए काम करें। उन्होंने कुछ हमारे लिए वो क्या कहते हैं कि निशानियां, कुछ हमारे लिए रास्ते, कुछ हमारे लिए निशाने राह उन्होंने मुतय्यन कर दिए हैं। ये अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उन्होंने नैप के वक्त से चाहे लें या NDP बाद में उन्होंने जो थोड़े अरसे के लिए शेरबाज मजारी साहब के साथ उन्होंने काम किया बनाया, तो अभी इस वक्त पाकिस्तान के जो घुटन की सी सूरत हाल है, जिस तरह कौमों के हकूक जब्त किए जा रहे हैं, जिस तरह से नेशनल राइट्स की बात या डेमोक्रेसी की बात, ह्यूमन राइट्स की बात, और या रीजनल जितने भी आपके इश्यूज होते हैं, चाहे वो फॉरेन इश्यूज हो या इंटरनल इश्यूज हो, उन पर बात करना तो अब नामुमकिन सी बात हो गई है। तो इन आलात में हालांकि हमारे पास एक बहुत बड़ा तबका भी है जो तालीम याफ्ता भी है, सियासत भी समझता है, तो इनके फराइज में शामिल है कि कम अज कम जो उन्होंने हमारे लिए रास्ते मुतय्यन किए उनको थोड़ा सा देख के हमें ऐसी मूवमेंट डेवलप करना चाहिए ताकि उनकी रूह को सुकून मिल सके। बाकी मेरे ख्याल में वही जान या बाकी दोस्त तो इस पे तफसील से बात करेंगे। मैंने अपनी एक तकरीब में उनकी तमाम जो जिंदगी है, जो किस तरह उन्होंने गुजारा 1950s का या 60s का या फिर 70s का, यूसुफ अज़ीज़ खान साहब ने उनकी बात की। मुझे याद है जब मैं कौमी असम्बली का पहली दफा मेंबर बना सैनेट का, तो मुझे सबसे ज्यादा, मैं जब जाता था तो पंजाब वाले ही समझते थे मैं कोई सरदार हूँ, तो आई वॉज द यंगेस्ट मेंबर नेशनल असम्बली। तो 25 साल मेरा उम्र था, ये दोस्तों की मेहरबानी और मोहब्बत थी, उन्होंने मुझे इज्जत दी और मुंतखब करवाया। तो मैं जब जाता था कहता है आप लोगों ने पंजाबियों को निकाला, आप लोगों ने बलोचिस्तान में ये किया, आप लोगों ने बलोचिस्तान में, तो क्योंकि मैं थोड़ा सा पढ़ता था, तो अहमद सलीम की किताब है, शायद कभी आप लोग उसको देख भी लें, उसमें उन्होंने सरदार अताउल्लाह मेंगल साहब की, नवाब खैर बख्श खान मरी साहब की, बलोचिस्तान से हवाले से, फिर इसी तरह वली खान की, वो जो उनके सुप्रीम कोर्ट में उस वक्त में आए जब पेशियां होती थी नैप पर पाबंदी के हवाले से, और जो ये इल्जाम सरदार अताउल्लाह खान मेंगल पर भी लगाए गए थे तीसरों पर कि जी आपने पंजाबी, तो उसमें वो सारी तफसीलात तो मैंने पढ़ी थी। तो मैं इनको कहता था कि यार आप लोगों का ये कर है यहाँ पर जिसको मुस्तफ़ा कर कहते हैं, उस वक्त उसका भाई मुझे याद है गुलाम रब्बानी कर हमारे साथ है, मैंने भी तो मैंने कहा इसका भाई था वो गवर्नर था, उन्होंने बैठ कर गवर्नर कॉन्फ्रेंस में ये फैसला किया था। और सरदार मुझे हमेशा कहते भी थे जब उन्होंने मुझे कहा, तो फिर उसके बाद मैंने जाकर किताबें खोल ली, फिर पढ़ के देखा भी कि हाँ यार ये तो वाकई दुरुस्त है, ये तो 1970s के बाद जब पाकिस्तान दो लख्त हुआ
उसके बाद ये फैसला हुआ कि जो भी हमारे मशरकी पाकिस्तान में ऑफिशल्स थे, ऑफिसर्स थे, पुलिस के लोग थे, उनको कुछ अरसे के लिए पूरे पाकिस्तान में, मगरबी पाकिस्तान में भेज दिया गया कि जब तक हालात सेटल होंगे तो उसके बाद इनको, क्योंकि वन यूनिट का खात्मा हुआ, सूबे बन गए, तो उनको अपने सूबों में भेज दिया जाएगा। मैंने कहा ये बड़ा लीगल, आप लोग इसका इल्जाम भी हमारे ऊपर देते हैं। तो मैं कोशिश करता था समझाने की, तो कोई भी कंफ्यूजन होता तो मैं जब सरदार साहब के साथ हम बात करते तो वो बड़ी तफसील के साथ, और मुझे याद है आज तक उन्होंने मुझे नहीं कहा सना मुझे याद नहीं है, या मैं पूछ के बताता हूँ या मैं देख के बताता हूँ। ऑनेस्टली मैं जब भी कभी कोई बात मैं सही सुनी सुनाई सी भी बात होती तो हम कभी उसकी मजलिस में बैठते, मैंने कहा सरदार साहब मैंने सुना है 1970s में 1972 में ये हुआ, फलाने कॉन्फ्रेंस में ये हुआ, ये हुआ, कहता था ये। तो मैं कभी कभी मतलब रश करते थे, मतलब मैं अभी तक मेरी आखिरी मुलाकात उनके साथ 23 अगस्त को मेरी आखिरी मुलाकात उनके साथ हुई। तो मैं इस्लामाबाद से आया, पता नहीं दिल में एक बहुत ज्यादा उलझन सी हो रही थी कि मैंने सरदार साहब से मिलना है। तो मेरे साथ दोस्त थे, दो तीन चार MPAs हैं, आजकल हमारी आदतें सबकी खराब है, सुबह देर से उठते हैं, रात को देर तक फोन सुनते हैं, व्हाट्सअप्स हैं, काम है। तो मैंने कहा यार, तो मुझे मैंने चंगेज गिच की उनका का फैमिली मेंबर है, तो मैंने चंगेज को फोन किया, चंगेज मुझे सरदार साहब से मिलना है। कहता है सरदार साहब की तबीयत आजकल मुलाकात बहुत कम है। मैंने कहा मेरा बता दो। तो उसने जाके बताया सना, कहता है अच्छा सना, क्या उसको कहो आ जाए। तो मैंने कहा कितने बजे आ जाऊँ? कहता है वो सुबह का एक पीरियड है, जब 9-10 ब्रेकफास्ट करते हैं, एक दो घंटे के लिए शायद आके ड्राइंग रूम में मिल सके, अदरवाइज नहीं। तो वो बहुत ही लिमिटेड। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने दो तीन और MPA दोस्त थे, अमल कलमती साहब, ये मैंने कहा हम चलते हैं सरदार साहब से जरूर मिलना है। तो वो थोड़े से लेट हो गए, तो मैंने जैसे तंजिया किया, मैंने कहा सरदार साहब ने फोन किया, कहा बेटे तुम लोग बैठो घर, मैं तुम लोगों से मिलने आता, कि तुम लोग अभी तक मेरे पास पहुंच नहीं सके हो। खैर जल्दी जल्दी जाके पहुंचे, तो पहली दफा सरदार साहब ड्राइंग रूम में नहीं आए, उन्होंने हमें अंदर बुलाया। जब वो बैठे, मैंने वो तस्वीर ट्विटर पे भी शेयर किया, जब वो बैठे पहली दफा मुझे थोड़ी सी कोई, मुझे खुद एक वो क्या कहते हैं कि सदमा सा लगा कि सरदार साहब फिजिकली ही वॉज नॉट वेल। मैंने नीचे देखा, पाँव थोड़े से सूजे हुए थे। तो मैं समझा कि अब सरदार साहब के साथ इस इन हालत में इनकी मोहब्बत है, उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने कह दिया कि जी सना इतनी दूर से आया है तो मिलने के लिए जरूर उसको बुला। तो मैंने कहा कि मुनासिब ही नहीं है, तो मैं कोई ना सियासत करूंगा ना कोई दुनियादारी की बात करूंगा, मैं सरदार साहब तबीयत कैसी है। तो अस के आप यकीन ना करें, मैंने इसका जिक्र अपनी तकरीर में भी प्रोविंशियल असेंबली में किया है। तो जब मैंने कहा सरदार साहब, बड़े धीमे अंदाज में और बहुत वो क्या कहते हैं कि आजाना के मुनासिब भी नहीं है, क्योंकि हम सरदार से पूछते भी नहीं थे आपकी तबीयत कैसी है। वो इतने मजबूत एहसाब के इंसान थे कि वो कभी भी अपनी बीमारी, कभी भी अपनी तकलीफ या मुश्किल किसी के साथ उसका इजहार नहीं करते थे। मैंने कहा सरदार साहब तबीयत कैसी है? तो ऐसे मुझे थोड़ा सा चेहरा उस तरफ था, मेरी तरफ देख के हंस के कहते हैं सना मीर अनीस का बड़ा अच्छा शेर है, बस थोड़ा सा उन्होंने ऐसे सर ऊपर किया मिलाया, और फिर जिस तरह तकी साहब बड़ी रवानगी के साथ शेर बोलते हैं, तो इसी तरह उन्होंने कहा कि मीर अनीस से किसी ने पूछा मियाँ आपकी तबीयत कैसी है, तो उन्होंने कहा कि आखिर उम्र है जीत से भी दिल सेर है, आखिर उम्र है जीत से भी दिल सेर है, पैमाना भर चुका है चलकने की देर है। यानी उन्होंने बिल्कुल उसी शेर में ही कह दिया कि यानी पैमाना भर चुका है चलकने की देर। सना कहता है आप जिंदगी के बिल्कुल आखिरी दिन है, अच्छा हुआ तुमसे मुलाकात हो गई, बाकी बस दुआ करो। तो वो जाना भी चाह रहे थे कुछ ट्रीटमेंट और इलाज के लिए, लेकिन यानी दो दिन पहले कोमा में जाने से पहले मेरी उनके साथ मुलाकात हुई, उसके बाद वो फिर हॉस्पिटल शिफ्ट हुए। लेकिन मुझे याद है कि आखिरी दिनों में भी उन्होंने ये नहीं कहा, मतलब आप एक इंसान के हौसले उसकी बुलंदी देखें कि मेरे सर में दर्द है, मेरे कमर में दर्द है, या मेरे पाँव में दर्द है, या मैं उठ नहीं सकता हूँ, बैठ, सिर्फ मुझे ये कहा सना कहता है मुझे नई बीमारी लगी है। मैंने कहा सही क्या हो गया? कहते हैं नींद नहीं आती। मैंने कहा सदा साहब पहले आता है, क्योंकि अभी भी नींद नहीं आती, जवानी में भी कभी कभी हम नींद से बैठ। Sana, thank you so much for sharing all उनकी बातें जिंदगी, और मैं आई अप्रिशिएट मुश्ताक आपको, तमाम आपके सिंध फ्रेंड्स को, फ्रेंड्स ऑफ सिंध को जो इंटरनेशनल ने ऑर्गेनाइज किया है, एंड आई बिलीव कि ये एक इंट्रोडक्टरी सदा साहब की जिंदगी पे था, उनके पॉलिटिकल उस पे जिंदगी पे, और उसको कैसे आगे गए बढ़ाया जाए उस पे बात करने के लिए। उस पे एक तो आई थिंक आप जैसे लोग जो हैं कोई उनकी पॉलिटिकल बायोग्राफी लिखें, आप लिख सकते हैं, और मेरे ख्याल में अच्छा होगा, कोई और जाके कहीं से लिखे बेहतर होगा।
it would be kind of first hand account. To baki research jo karna chahte hain wo ja ke kare, I think it would be great if there's a book is political, you know. Itni badi shakhsiyat ko cover karna mushkil hai, but inshallah. Yeah. Thank you so much. Thank you. Abhi main jaunga Rashid Rahman sahab ke paas, unko invite karunga ki wo apne khayalat ka izhar kare. Rashid sahab aajkal contributing editor hain बिजनेस रिकॉर्डर पे. राशिद साहब, आखिरी बार मेरी जो मुलाकात हुई थी मैगल साहब से, वो 2005 में थी, जब मैंने उनका इंटरव्यू किया था. वो सिंधी जबान में था और बड़ी उन्होंने ऐसी बातें की उस इंटरव्यू में, और चल गई उन दिनों में टेलीविजन पे. मुझे हैरत है अभी तक, आजकल तो वो बातें चल नहीं सकती टेलीविजन पे, और बल्कि इंटरव्यू भी नहीं होते. मैंने उनसे कहा कि पूरा जो आपका एक्सपीरियंस है उस पे आपका लाइक क्या आप ड्रॉ करते हैं कुछ कंक्लूजन. तो पाकिस्तान से वो बहुत मायूस थे और उन्होंने मुझे कहा कि मैं मर जाऊंगा, अब इस्लामाबाद नहीं जाऊंगा. देयर वाज लाइक बैक इन 2004 एंड 5, यू नो. और फिर मैंने उनसे कहा कि ये जो मिलिटेंट्स हैं जो पहाड़ों पे हैं, तो लाइक हाउ डू यू सी देयर, यू नो. तो वो मुझे बोलता है कि सिंधी में उसने कहा कि जे हिनन टंगन में साह हो जे, अगर इन टांगों में सांस होती तो मैं यहाँ नहीं होता. तो ही है मतलब. Over to you, sir. Rashid Rahman sahab. Thank you very much, Mushtaq. मैं एक तो करेक्ट कर दूं आपको थोड़ा सा, मैं बिजनेस रिपोर्टर का एडिटर नहीं हूं, कॉलमिस्ट. दूसरी बात, मैं सरदार अताउल्लाह मेंगल की तारीफ यूं करूंगा कि वो एक जद्दोजहद मुसलसल और तवील का नाम है. सारी उम्र उन्होंने जद्दोजहद की अपनी कौम के लिए, मज़लूम कौमियतों के लिए, मज़लूम लोगों के लिए. और मैं आपको ये बताता चलूँ, जिक्र किया सना ने कि वो सियासत में किस तरह उनका दाखला हुआ, और दोस्तों ने भी कहा गौसे बख्श बिजेंजो साहब में बड़ा रोल था. 62 की उनकी इलेक्शन कैंपेन बिजेंजो साहब ने रन की और वो वेस्ट पाकिस्तान असम्बली में इलेक्ट हुए. वहाँ उनकी तकरीरें जैसे कि जिक्र हुआ, वो जेल पहुँच गए और बहुत उन्होंने अरसा जो है जेल के अंदर गुजारा, लेकिन कभी भी जद्दोजहद या अपने मकासद से पीछे नहीं हटे. मैं आपको एक ज़ाती मिसाल उसकी ये दूंगा कि उनके बेटे असद मेंगल और अहमद शाह कुर्ब कराची में मारे गए और उनकी लाशें नहीं मिली. उनकी खून से लदी हुई गाड़ी मिली लेकिन लाशें नहीं मिली. जो आज हम बात करते हैं ना किल एंड डंप पॉलिसी की बलूचिस्तान में, जो कि अब फैल गई है पूरे पाकिस्तान में, उसकी शुरुआत उस वक्त हुई. और ये मुसलसल सिलसिला चल रहा है. आप देखें कितना जुल्म है. फिर आप ये देखें उनकी शख्सियत. इतना अरसा उन्होंने, जबकि 70s की स्ट्रगल खत्म हुई जिसका मैं भी हिस्सा था बलूचिस्तान में, तो उन्होंने फिर भी अपनी कोशिशें जो हैं खत्म नहीं की. उन्होंने पोनम बनाया, उससे पहले एक फ्रंट बनाया सिंधी बलोच पश्तून का लंदन में जब वो जला वतन थे. अब वापस आए, फिर बीएनपी बनाया, वो भी जब तोड़फोड़ का शिकार हुआ बीएनपी एम बन गया. आपको शायद इल्म है या नहीं, जब मुशर्रफ साहब का दौर ख़त्म हुआ तो उन्हें प्रेसिडेंट बनने और प्राइम मिनिस्टर बनने की पेशकशें हुई बार बार. लेकिन आज जो रिवायत है कि किसी को ये मौका आप दें वो छलांग लगा के कुर्सी पे बैठ जाता है, उन्होंने रद्द कर दिया, क्योंकि वो असूल पे बिल्कुल कोई कॉम्प्रोमाइज के लिए तैयार नहीं. ये असूली पॉलिटिक्स जो है इसका आज फुकदान है और इसकी आज जरूरत है. मैं समझता हूँ अगर उनको आपने खराज तहसीन पेश करना है, और मैं बड़ा खुश हूँ कि आज ये हमें मौका मिल रहा है दोस्तों के साथ मिलकर गुफ्तगू करने का, तो उनकी मिसाल जो है उसको फॉलो करना है, उनका रास्ता जो है उसको फॉलो करना है, और कोशिश ये करनी है चीज़ों के लिए वो लड़ते रहे उनको हम पाए तकमील तक पहुंचाएं. आखिर मामला है क्या? जब कलोनियल स्टेट ख़त्म हुआ बर सग़ीर में और बंटवारा हो गया, तो एक पोस्ट कलोनियल स्टेट बना. और उस पोस्ट कलोनियल स्टेट की खासियत ये थी कि वो एक इंटरनली कलोनियल स्टेट था. और ये कलोनियलिज्म जो है ये किसके हाथ में थी? ये उन इंस्टीट्यूशंस के हाथ में थी जो बरतानिया पीछे छोड़ गया हमारे लिए बतौर विरसा. उसमें फौज और ब्यूरोक्रेसी शामिल थे.
और उन्होंने ये पॉलिसी अपनाई और रद्द किया इस बात को जो कि एक नागुजीर हकीकत है कि पाकिस्तान एक कौम नहीं थी, इस रियासत में कई कौमें थी। और आपने देखा बंगालियों के साथ जो हुआ और आखिरकार 71 में उन्होंने अपने आप को आज़ाद कर लिया और आज मेरे ख्याल में वो ज़्यादा खुशहाल हैं। इसी तरह जो बाकी मांदा पाकिस्तान है उसमें मुसलसल ये सिलसिला चलता आ रहा है कि जो मजलूम कौमियतें हैं उनके हकूक भी सलब किए जाते हैं, उन पर जबर व तसल्लुत भी किया जाता है, उन पर ज्यादतियाँ भी की जाती हैं और ये सिलसिला ख़त्म नहीं हो रहा। चुनांचे अगर ये बात हम समझ लें तो शायद अब ज़रूरत इस बात की पड़ती जा रही है कि एक जोड़ा जाए उन लोगों को जिनको हम मजलूम समझते हैं। मैंने उसको एक टाइटल दिया है, कल ही मुझे ये ख्याल आया कि वी शुड हैव ए कोलिशन ऑफ द ऑप्रेस्ड। उसमें मजलूम कौमियतें भी शामिल हैं, मजलूम तबकात भी शामिल हैं और नई नई जो मसले उभर के आज सामने आ रहे हैं, औरतों का मसला है या मजहबी अकलियतों के मसले हैं या और भी ऐसे ओप्रेस्ड ग्रुप्स हैं, उनको इकट्ठा करने की ज़रूरत है। सना ने कहा कि अगर लिखते हैं तो प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स नहीं कर सकते और प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स करते हैं तो लिख नहीं सकते। भाई हमें ये दोनों करना पड़ेगा। अगर हमें ये टास्क डिवाइड भी करनी पड़ी, थ्योरेटिकल काम इंटेलेक्चुअल काम की ज़रूरत है, थ्योरी की ज़रूरत है और प्रैक्टिकल ऑर्गेनाइजेशन और मोबिलाइजेशन की ज़रूरत है। वरना जो हाल है लोगों का, आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, चीखें निकली हुई हैं लोगों की, जिस इंतहा की मुसीबत है, यानी जबर तशद्दुद वो सारी चीज़ अपनी जगह, लेकिन गुजारा नहीं हो रहा है लोगों का। और अगर आप ये समझ रहे हैं कि चूंकि ज़्यादातर, जैसे जिक्र हुआ, ज़्यादातर फौज पंजाब से है तो पंजाब बड़ा खुशहाल है, आपको मैं दावत देता हूँ आइए पंजाब आके मेरे साथ दौरा कीजिए और लोगों की बात सुनिए। मैं कुछ नहीं कहूँगा, आप सुनेंगे कि कितनी तकलीफ में है लोग। और मैं आपको एक बात और बताता चलूँ, एक वक्त था कि वर्दी पहना हुआ सिपाही हो या अफसर हो, जब वो अपने गांव या शहर जहां उसका घर है वापस जाता था, जिस किस्म की उसकी इज्जत उस वक्त होती थी वो आज पंजाब में नहीं हो रही, गालियां पड़ रही हैं। क्योंकि ये बात पंजाब के मजलूम आवाम को भी समझ आ रही है कि भाई इस तरह सिलसिला नहीं चलता और इस तरह रियासतें नहीं चलती और इस तरह मुल्क नहीं चलते कि आप हावी हैं, आपने एक शोकेस विंडो ड्रेसिंग किस्म की डेमोक्रेसी बनाई हुई है जिसका ना तो वजूद है ना क्रेडिबिलिटी है, और जो उसकी कारकर्दगी है पिछले 3 साल में वो भी आपके सामने है। मेरे ख्याल में उस पर ज़्यादा तबसरा करने की ज़रूरत नहीं है, रोज़ खबरें सुनते हैं, पढ़ते हैं, पता चलता है कि क्या हो रहा है इस पाकिस्तान में। यूसुफ मस्ती खान ने बड़ी अच्छी एक बात कही कि जो अफगानिस्तान में हुआ है, तालिबान का पावर में आना, ये हमारे लिए इंतहाई ख़तरनाक है, क्योंकि यहाँ पर जो ये फोर्सेस हैं रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म की, जिन्होंने इस्लाम के नाम में जकड़ के रखा हुआ है पाकिस्तान के अवाम को, उनको तकवीत मिलेगी और वो हमारी नासों में फिर घुसेंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है, मैं समझता हूँ और ये और दोस्तों ने भी कहा है, कि इस बात से कता नज़र, अब देखिए बलूचिस्तान के 3 बड़े चले गए, गौस बख्श बजेंजो साहब, खैर भाई अब सरदार अता, क्या फिर अब हम हाथ मलते रह जाएं और क्या कहें कि रोते रह जाएं? नहीं, इससे काम नहीं चलेगा। ज़रूरत इस बात की है कि जो तजुर्बाकार लोग हैं, कुछ पढ़े लिखे हैं, कुछ दानिश्वर हैं, वो लिखने पढ़ने का काम करें, सोचने का काम करें, लेकिन उसके साथ साथ अपने आप को भी जोड़ें और दोस्तों को भी जोड़ें और बिलखसूस नौजवान जो हैं उनको जोड़ें, ताकि मुस्तकबिल जो है पाकिस्तान का वो ये ना रहे। क्योंकि अगर इसी तरह सिलसिला चलता रहा तो खुदा ना खास्ता जो 71 में हुआ है, कोई बईद नहीं कि फिर हो सकता है, शायद उस तरीके से नहीं, शायद उस नतीजे में ना निकले उसी तरह का नतीजा, लेकिन पाकिस्तान को बचाना अगर है आपने और लोगों को खुशहाल करना है और उनके हकूक उनको दिलाने हैं, तो भाई जद्दोजहद के अलावा मैं समझता हूँ और कोई रास्ता नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया राशिद रहमान साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और
बड़ी अहम बातें की आपने, मुझे याद है आपने जो 2 साल पहले डीसी में स्पीच की थी वो भी बड़ा अच्छा मुस्तकबिल का एक वे फॉरवर्ड आपने सजेस्ट किया था, और आज भी आपने वो चीज़ें शेयर की हैं। अब मैं हमारे पास अभी 2 स्पीकर हैं और तो और मैं और तो मैं इनवाइट करूंगा सेनेटर खटक साहब को कि वो अपने ख्यालात का फराज़ खटक साहब को अपने ख्यालात का इजहार करें, और जो बातचीत हुई है अगर उसको आगे बढ़ाना चाहें, लेकिन कुछ मेमोरीज जरूर शेयर करें हमारे साथ, क्योंकि आज मैगल साहब का दिन है तो बहुत अच्छा रहेगा। ओवर टू फराज़ खटक साहब। शुक्रिया राजपर साहब। मैं सबसे पहले फ्रेंड्स ऑफ सिंध सोसाइटी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने आज हमें दावत भी दी है और यहाँ पे प्यारे दोस्तों की कहकशान से मिलने का मौका भी मिला है, बातें सुनने का भी मौका मिला है। मेरा काम आसान है इसलिए कि काफ़ी बातें अच्छी बातें हुई हैं। मैं थोड़ा सा उसको आगे बढ़ाते हुए ये अर्ज़ करूँगा कि हमारी शनाख्त ज़ाहिर है कि जब अयूब खान के खिलाफ मूवमेंट चली, एंटी यूनिट मूवमेंट चली और फिर 17 के इंतखाबात, तो इसमें नैप के लीडरों से हम नौजवान लोग मिलते थे या उनके पैरोकार थे, तो उसमें मुझे मौका मिला सरदार अताउल्लाह साहब से मिलने का और दूसरे हमारे जो लीडर थे उनसे के साथ बैठने का, उनसे सीखने का मौका मिला। तो इसमें मैंने देखा कि ये जो हमारे बड़े लीडर थे वली खान साहब के साथ, गौस बख्श बिजेंद्र साहब, खैर बख्श मारी साहब और सरदार अताउल्लाह मैंगल साहब। सरदार अताउल्लाह मैंगल साहब एक तरह से जो गौस बख्श बिजेंद्र साहब और नवाब खैर बख्श मारी के दरमियान एक ब्रिज था, एक तरह से वो पुल था। यानी बज़ाहिर वो ऐसे आदमी लगते थे कि बात खुले तरीके से करते थे, सख्त तरीके से करते थे, लेकिन उनके अंदर ये खूब सलाहियत भी थी कि वो किस तरह से इत्तेफाक राय पैदा करते थे, कैसे लोगों को इकट्ठा करते थे। थोड़ा सा उसके बारे में मैं आपकी खिदमत में कुछ फिर वाक़यात भी थोड़े अर्ज़ करूँगा, लेकिन ये कि उनको ज़्यादा करीब से देखने का मुझे मौका मिला जब हम लोग हैदराबाद जेल में इकट्ठे रहे कोई 1.5 साल के करीब, वो जो मुकदमा था मशहूर उसमें। तो हमारे जो वकील थे, बड़े वकील थे, महमूद अली कसूरी साहब, आबिद हसन मिंटो साहब और दूसरे बड़े बड़े वकील थे, रसूल बख्श वाले जो साहब थे उसमें, लेकिन ये हमारे लीडर भी बोलते थे जिसमें वली खान, मीर गौस बख्श बिजेंजो, अरबाब सिकंदर खान और लोग भी बोलते थे। सरदार अताउल्लाह से सब लोग हम दरख्वास्त करते थे कि न बोले, क्योंकि बहुत सख्त बातें करते थे। एक दफ़ा बड़ी मुश्किल से दूसरे लीडरों ने उनको कहा, क्योंकि वो खड़े होकर कहना चाहते थे, एक बात करना चाहते थे, लेकिन पहले उन्होंने शेयर की मीर साहब के साथ वो बात, तो सब ने कहा कि आप ये न कहें, क्योंकि वो ये कहना चाहते थे। उन्होंने कहा कि इनको आप माई लॉर्ड क्यों कहते हैं? लॉर्ड तो खुदा को कहते हैं और ज़मीन पर खुदा की तरफ से जो इंसाफ करता है उसको लॉर्ड कहते हैं। उसने कहा ये तो वहाँ एक पुलिस का DIG आता था कोई सईद, उसने कहा ये तो सईद की तरफ से इंसाफ करते हैं, ये तो माई लॉर्ड। हमने कहा आप क्या कहना चाहेंगे? उसने कहा कि मैं उठ के कहना चाहता हूँ कि माई लल्लू पंजू माई लाल के बजाय। तो हमने लोगों ने कहा कि अच्छा, लेकिन प्रेयर क्या करना चाहते हैं? उसने कहा प्रेयर ये करना चाहता हूँ कि उनसे कहना चाहता हूँ कि आप हमें तो निकाल नहीं सकते, हमें हमारी तो जमानत नहीं कर सकते, लेकिन ये जो खैर बख्श के मुर्गे हैं इनकी जमानत हो सकती है या नहीं? तो इस तरह की बातें वो करते थे। लेकिन जैसे कहा गया उस वक्त वहाँ भी जो सियासी बहस होती थी तो उसमें उनका मौकफ था बहुत, वो खरे तरीके से मौकफ रखते थे, साफ तरीके से, लेकिन फिर कंसेंसस बिल्डिंग भी वो करते थे, ये मैंने देखा है, और उसमें अपनी राय में भी थोड़ी सी उस तरह की गुंजाइश रखते थे कि कंसेंसस बिल्डिंग के लिए रास्ता जो है वो खुला रहे, और खुसूसन खैर बख्श मरी साहब और मीर गौस बख्श बिजेंद्र साहब के दरमियान एक तरह से ये काम उनका था, उनके बगैर ये मुमकिन नहीं था कि ये नैप इस तरह से चलती या नैप की जो ताकत थी या नैप के अंदर जो फैसले होते थे, फैसला साजी थी, इस मुसलिस में उनका बड़ा अहम रोल था। ये जैसे मैंने अर्ज किया, ये जब मीर मनोवर तालपुर की शादी थी ये फरियाल तालपुर साहिबा से, तो हम हैदराबाद जेल में थे, तो अली बख्श तालपुर साहब, तो अली अहमद तालपुर साहब तो हमारे साथ कैदी थे, तो उन्होंने कहा वो तो शादी में शरीक नहीं हो सकते मेरे बेटे की शादी में, लेकिन उन्होंने कहा वो दावत वहाँ उन्होंने की खाने की, जो हम 55 कैदी थे, उन्होंने कहा कि इकट्ठे हम खाना खाएं, एक मिलकर हम खाना खाएं। तो उस वक्त हमारे शेर मोहम्मद मरी साहब
कहीं ख्याल था कि वो नहीं बैठेंगे इस मजबे में, क्योंकि उनके बहुत सारे लोगों से सख्त इख्तलाफात थे। तो मुझे सरदार अतौला साहब ने कहा कि अफराज से आप तुम जाके ज़रा इनसे बात करो। उसने कहा कोई सोशलिस्ट इस्तलाहों में इनको कोई ऐसी दलील निकालो कि ये कन्विंस हो जाएं। तो मैं गया शेरमद मरी साहब के पास और मैंने उनसे दरख्वास्त की, मैंने कहा कि देखें ये जो FSF वाले दीवारों पे खड़े हैं और अंदर देख रहे हैं कि जेल में क्या हालात हैं, तो मैंने कहा कि इनको खुशी होगी कि अगर हम इकट्ठे नहीं बैठेंगे। तो मैंने कहा आप चले जाएं। उन्होंने कहा मैं सबसे बात नहीं कर सकता। मैंने कहा आप सबसे बात ना करें, हम एक तरफ बैठ जाएंगे। तो उन्हें भी मेहरबानी की और हम गए और सब ने इकट्ठे खाना खाया, बात की। फिर वहाँ ज़ियाउल्लाह जब मिलने के लिए आए, जेल ज़ियाउल्लाह है, पहले उन्होंने कहा कि वो जेल के अंदर एक हॉल में आके लोगों से मिलेंगे, लेकिन हमारे साथ तो बड़े हार्ड कोर पॉलिटिकल वर्कर्स थे और हमारी बातें ज़ाहिर है कुछ सुनने का भी उन्होंने इंतज़ाम किया था। तो कुछ लोग कहते थे कि जब ज़ियाउल्लाह आएगा तो हम उसे कहेंगे कि हवालदार ज़ियाउल्लाह ये जनरल शेरोफ को एक सलूट तो मारो। मरी जनरल शेरोफ कहते थे अखबारों में उस वक्त मीडिया में। तो फिर वो ज़ियाउल्लाह अंदर नहीं आए, ड्यूटी में बैठा। पहले उसने वली खान साहब को दावत दी, उसके बाद मीर गौस पसंजो साहब, फिर सरदार अतौला और फिर खैरबख्श मरी, सबके साथ ऐसे आधा आधा घंटा उसने बात की और कहा कि कैसे भुट्टो साहब ने आपके साथ ज्यादती की है, मुल्क के साथ ज्यादती की है, और एक इस्लामी जमहूरी पाकिस्तान बनेगा जिसमें आपका अहम किरदार होगा, वगैरह वगैरह इस तरह की बातें। लेकिन सरदार अतौला साहब को उन्होंने ये कहा कि मुझे बताते हुए आपको दुख होता है कि आपका बेटा जिंदा नहीं है, और वो उस वक्त मारा गया था, और थोड़ी सा किस्सा उसने सुनाया और फातिहा पढ़ी उसने। तो जब अंदर आए सरदार साहब ने ये बात कही, तो फिर हम सब इकट्ठे हुए 55 सियासी कैदी, फिर सब ने उनके लिए उनके बेटे के लिए फातिहा पढ़ी। लेकिन उन्होंने कहा कि मेरा बेटा भी एक बलोच था और बहुत सारे बलोच इस लड़ाई में मारे गए हैं, मेरा बेटा भी उनमें से एक था, वो उनमें से उनसे अलग नहीं था। तो इस तरह के वो आदमी थे। जिस दूसरी दफ़ा मुझे ज़्यादा तफसील से उनसे बात करने का मौका मिला जब वो अफ़गानिस्तान आए 1985 में। वो वहाँ आए खैरबख्श मरी साहब से मिलने के लिए, तफसीली बात करने के लिए। खैरबख्श मरी कहीं मुल्क से बाहर गए हुए थे, तो कुछ दिन मुझे उनकी एक तरह से मेज़बानी करने का शर्फ हासिल हुआ। अफगान लीडर भी उनसे मिलने के लिए आते थे, लेकिन मैं तो सारा वक्त उनके साथ गुजारता था, तो बड़ी तफसील से उनके साथ पुरानी बातें भी हुई। जब खैरबख्श मरी आए मुल्क से बाहर से, अफगानिस्तान से बाहर से आए, तो उनके दरमियान मुलाकात के लिए जब मैं इनके साथ गया, तो मैंने उनके बैठने के बाद कहा कि मैं अब रुख्सत चाहूँगा, अब आप लोग आपस में बात करें। तो दोनों ने कहा कि नहीं, हम तो कोई खुफिया बात तो नहीं करें, तो सियासी बातें हैं, आप भी बैठें। तो मैं भी उन बातों में बैठा, थोड़ा सा मुझे तफसील से उनके ख्याल सुनने का मौका मिला, और वो बड़े डिटरमिंड आदमी थे। बात यह है कि ये जो नाम मैंने लिए, ये और कुछ लोग और, ये ऐसे हमारे जो कबायली और माकबल जागीरदारी के माशरे थे, उसमें जदीद समाजी इदारे बने नहीं, सियासी तंजीमें भी उस तरह से ग्रास रूट तक नहीं बनी। तो उसमें ये जो शख्सियतें थीं, ये उन्होंने इदारों का रोल अदा किया, यानी शख्सियत से ज़्यादा इदारों का रोल था, और इसमें सरदार अतौला का बहुत बड़ा अहम रोल था, जिसने जो जमहूरी तहरीक के मुख्तलिफ धारे थे और कौमी तहरीक के मुख्तलिफ धारे थे, और ख़ुद बलूचिस्तान के अंदर बलोचों के अंदर जो मुख्तलिफ धारे थे उनको जोड़ने में उन्होंने बहुत अहम किरदार अदा किया। और मेरा ख्याल है कि हमें उससे सीखना चाहिए और मुस्तकबिल की तरफ हमें बढ़ना चाहिए। मैं यह भी अर्ज करना चाहूँगा कि पाकिस्तान में पिछले दिनों मिलिट्राइजेशन बढ़ी है, और जो 2008 के बाद एक कोशिश हुई थी रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी के लिए, जो एक कोशिश हुई थी उसको पीछे हटाने के लिए 2014 से एक कूप डेटा शुरू हुआ, जो अब मुकम्मल तौर पे एक तरह से वो कामयाब हुआ है सियासी कुवतों को पीछे धकेलने में, और पूरी रियासत का जो कंट्रोल है वो जनरलों ने संभाल लिया है। तो इस मिलिटराइजेशन के नतीजे में स्टेट की पंजाबाइजेशन भी हुई है, क्योंकि मिलिट्री जो है ओवरवेलमिंगली पंजाबी है, खुसूस जनरल जो हैं, टॉप जनरल जो पहले होते थे उसमें उर्दू स्पीकिंग या पश्तून, वो उस तरह से सिलसिला बहुत घट गया है, अब थारोली एक तरह से पंजाबी लीडरशिप है। इसीलिए आपने देखा कि हमने 18th अमेंडमेंट असेंबली से मंजूर की, पंजाबी सियासतदानों ने मान ली, लेकिन जनरल बाजवा ने कहा कि नहीं, ये तो सिक्स पॉइंट से भी ज़्यादा पॉइजनस है।
तो ये एक तरह से पंजाबाइजेशन का बड़ा चैलेंज मुस्लिम मुल्क और मुल्क को खतरा इसी से है, मैं समझता हूँ, जिससे पहले भी दोस्तों ने उसकी तरफ इशारा किया है। और मेरे ख्याल में दो बुर्जवाजी लीडरशिप्स हैं, एक है सिविल बुर्जवाजी जिसके लीडर नवाज शरीफ हैं और वो क्लास उनके पीछे खड़ा है, इसमें शक नहीं, खुसूसन पंजाबी बुर्जवाजी, इसीलिए उनकी पार्टी टूटी नहीं है सारे प्रेशर के बावजूद। तो लेकिन दूसरी तरफ ब्यूरोक्रेटिक बुर्जवाजी है जिसकी क्यादत ये जुंटा कर रही है, मिलिट्री जुंटा जो असल में पीछे से हुक्मरान है, इमरान खान को आगे बिठाया हुआ है। तो ये जो ब्यूरोक्रेटिक बुर्जवाजी है ये आईन को भी नहीं मानती है और ये पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत और फेडरेशन वगैरह को नहीं मानती है, तो इससे मुल्क को खतरा दरपेश है। और बाहर भी ये बाहर की जंगों के लिए कॉन्ट्रैक्टर है, पुरानी जंगें तो आप सबकी नज़र में हैं, अभी नई एक सर जंग शुरू हो गई है हमारे इलाके में, जैसे सोवियत यूनियन के खिलाफ जो लड़ाई थी वो यूरोप में बेसिकली सियासी पोलराइजेशन थी वारसा पैक्ट और नाटो के दरमियान, लेकिन जो गर्म लड़ाई थी वो हमारे इलाके में आई, हमारे घरों में आई। ये अभी चीन के साथ भी जो सर जंग एंग्लो सैक्सन एम्पायर अमरीका और दूसरी कुवतें शुरू कर रही हैं उसमें भी गर्म लड़ाई जो है उसका मैदान हमारे इलाके के बनने का इम्कान है, क्योंकि यहाँ पे टेररिज्म भी है, स्ट्रक्चर्स हैं, और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो जर्नैल हैं ये फिर कॉन्ट्रैक्टर बनने के लिए तैयार हैं, फ्रंट लाइन स्टेट बनने की जो इनकी एडिक्शन है ये तबाह करके इस मुल्क को छोड़ेगी, इसके बड़े तबाही के इम्कान मुझे बहुत ब्लीक नजर आ रहे हैं। एक करण उम्मीद की ये है कि पंजाब में एंटी एस्टेब्लिशमेंट फीलिंग्स हैं अभी भी, यानी कुछ नारे मैंने पंजाबी में फौज के खिलाफ पहली बार नारे सुने हैं कि यानी इस तरह के नारे लोग लगाने लगे हैं कि छुप के खा गया GHQ, भूखे रह गए मैते तू, ये यानी पहले हम तसव्वुर नहीं कर सकते किस तरह के नारे सुनने में आएंगे। तो ये इससे थोड़ी सी जमहूरी तहरीक के लिए उम्मीद बनी है और मैं दोस्तों की इस बात की हिमायत करता हूँ कि हमारी नई नस्ल को नैब की तरह की एक पार्टी बनानी चाहिए। पश्तून नौजवानों ने अभी एक नेशनल डेमोक्रेटिक मूवमेंट के नाम से एक तहरीक शुरू की है जिसमें लतीफ़ अफरीदी साहब, बुशरा गौहर साहिबा, जमीला गिलानी, बशीर अहमद मटा, मैं हूँ, कुछ और लोग जो ANP से अलहदा कराए गए थे वो भी उनके साथ हैं, लेकिन हमने फैसला किया कि ये नौजवान लीडरशिप संभालेंगे, हम उनके साथ होंगे। तो ये हम चाहते हैं कि ये पूरे मुल्क के नौजवानों के और ये जो पश्तून नौजवान ने शुरू किया है ये कोई इतने पार्टी वो नहीं बना रहे हैं, इसका प्रोग्राम जो है एक फेडरल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स का प्रोग्राम है। तो थोड़ा सा हमारी जो लेफ्ट है उसको भी पुराने उससे निकलना होगा, जो पुराने हमारी यानी सोच है या जो बदली हुई दुनिया है उसके हकायक के मुताबिक उनको नई सूरत हाल में, ज़रा नैब की बात हम करते हैं तो इसका मुराद ये नहीं है कि बिल्कुल वही प्रोग्राम, क्योंकि अब तो सूरत हाल बदल गई है, नई दुनिया है, उसके अंदर हमें मैं समझता हूँ कि एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट डेमोक्रेटिक फेडरल डेमोक्रेटिक प्रोग्राम जो है वो हमें अपनाना चाहिए, जिसमें खवातीन, मजहबी अकलीतों का, मजदूर तबके का, लेकिन कौमी सवाल बहुत अहम है और कौमी सवाल जो है वो तेज़ हो गया है, इसलिए जैसे मैंने अर्ज़ किया कि ये स्टेट जो है पंजाबाइजेशन और उसके साथ थोड़ी सी अरबाइजेशन भी हुई है, और ये आयरनी है कि सऊदी अरब जो है वो वहाबियत से पीछे हटने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हमारे यहाँ वो वहाबियत और वो सारे एक्सट्रीमिज़म पूरी शिद्दत के साथ आपने देखा अफगानिस्तान पर मुसलत किया गया है, और मैं समझता हूँ ये अफगानिस्तान में रुकने का सिलसिला नहीं है, जैसे अफगान दरिया सिंध में गिरते हैं इसी तरह से वहाँ से जो चीज़ हिलती है वो ज़रूर सिंधु में आके गिरती है और पहुँच जाती है, तो यह दोबारा ये सूरत यहाँ भी पहुँचेगी, एक बड़े बहरान का सामना हमारे खत्ते को होने जा रहा है, क्योंकि ये बहुत बड़ी कशमकश, दिस रीजन हैज स्लिप वॉक्ड इनटू अ न्यू कॉन्फ्लिक्ट। मेरी गुजारिश है, इस पर कभी तफसील से बात करेंगे, लेकिन आज मैं यही गुजारिश करूँगा कि हमें और जो हमारे डायस्पोरा है, जो हमारे साथी हैं, इनका बड़ा अहम रोल है, क्योंकि इनको सोचने का मौका है आराम से, तो आराम से मुराद ये कि यहाँ जो डेली कशमकश है उसमें नहीं है वो, और जो महाज आ रही हैं तो थोड़ा सा उनको ठंडे दिल के साथ सोचने का मौका है। तो इस तरह की ये जो कॉन्फ्रेंसें हैं, और अब तो ये आने जाने की भी ज़रूरत नहीं है, इस तरह की कॉन्फ्रेंसों से कम्युनिकेशन जो है वो हो सकती है, तो इस तरह से ये जो नए प्लेटफार्म या इस तरह के इत्यादि की ज़रूरत है, इस पे भी एक प्रोग्राम अगर कभी कराइएगा तो मुझे बड़ी खुशी होगी, और मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करूँगा। एक बार फिर मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, मैंने खैर बख्शमारी के बारे में तो एक मकाला लिखा था, वो छपा भी है, मैं कोशिश करूँगा कि सरदार तौला महंगर और बिजेंजो साहब के बारे में भी अलग से पेपर्स लिखूँ, ताकि वो भी हमारी नई नस्लों के लिए जो कुछ हम थोड़ा बहुत अलिफ भी जानते थे वो महफूज रह जाए। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत शुक्रिया सेनेटर अफराज साहब खटक साहब, और डेफिनेटली आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप वो मकाले ज़रूर लिखें ताकि वो हमें वो पढ़ने का मौका मिले।
और बड़ा अच्छा तज़िया किया, बड़ी खूबसूरत यादें आपने जेल की शेयर की हमारे साथ, बहुत अच्छा लगा आपको सुनकर। और अब मैं इनवाइट करूंगा हमारे आज के इस इवेंट के जो आखिरी मुकर्रर हैं, जनाब वहीद बलूच साहब जो BSA के चेयरमैन रहे हैं और फॉर्मर स्पीकर हैं बलूचिस्तान असेंबली के। मैं आपको ये भी बता दूं कि पिछले दिनों पे यहाँ पे बड़ा एक अच्छा इवेंट होस्ट किया था वहीद बलूच साहब और बाकी जो हमारे बलूच दोस्त हैं Washington DC में, उसमें भी इकबाल तरीन साहब और वहीद साहब भी शरीक थे। और वहीद साहब, मैं आपको गुजारिश करूँ अपने ख्याल का इजहार करें। थैंक यू। वही साहब इज देयर? हाँ बिल्कुल, थोड़ा जी। ओके शुक्रिया मुश्ताक, बहुत बहुत शुक्रिया फ्रेंड्स ऑफ सिन सोसाइटी आपका, जिन्होंने ये प्रोग्राम का इनेकाद किया। लेकिन मेरे लिए आपने जो हमारा कंट्रैक्ट हुआ था आपके साथ कि मुझे आप अफरा साहब और राशिद रहमान साहब से पहले बुलाएंगे, अब इतने बड़े आलिम फाजिल लोगों की बात मुझे बुला के आपने तो मेरी एक तो उनकी नाराज़गी मैंने मोल ली और दूसरी जो है उनके बाद कहने को क्या रह गया है। तो बहरहाल अब ये दुश्मनी आपने कर ली तो अब निभाना ही पड़ेगा। सरदार साहब की सियासत, उनकी ज़िंदगी, उनकी तहरीक और उनकी कुर्बानी का इहाता करना इंतहाई मुश्किल काम है। जिस तरह आप तमाम दोस्तों ने उनके साथ अपने तजुर्बात का इजहार किया और अमूमी तौर पर जो उनकी सियासी ज़िंदगी रही है उस पर रोशनी डाली, मेरा भी थोड़ा बहुत उनके साथ ताल्लुक़ रहा, रिश्ता रहा, सियासत का रूहानी रिश्ता रहा। सरदार साहब की सियासत और उनकी ज़िंदगी का सबसे जो अहम नुक्ता है, जो अहम अंसर है, वो सच का कहना, सच बोलना और सच को जो है लोगों तक पहुंचाना। और उसके नतीजे में जो है उनकी ज़िंदगी में मुश्किलात आईं, उनको तकालीफ का जो है सामना करना पड़ा, पार्टियां टूटी, दोस्त टूटे, मेहरबान उनसे जुदा हुए, लेकिन उन्होंने सच बोलना जो है छोड़ा नहीं, हकीकत बयान करते रहे। इसलिए इस सच बोलने के गुर ने उनके अल्फाज को माने दिए। जब वो बोलते थे जिन अल्फाज के साथ हम और आप इजहार करते हैं, यही अल्फाज वो भी कहते थे, उनकी जुबान से यही अल्फाज अदा होते थे, लेकिन वो उनको माने देते थे, वो अल्फाज चलते फिरते नजर आते थे। जब वो बलूचिस्तान की बात करते थे, बलोचों की जो है गम मुश्किल और तकालीफ की बात करते थे, तो वो दर्द जो है, वो जो चुभन थी उनकी जुबान में, वो दिल में उतरती थी। इसलिए हम तो उसको कहते हैं कि वो बलोच तहरीक का तर्जुमान थे। इसमें ये कोई शक नहीं है कि बलूचिस्तान और पाकिस्तान में वली खान भी थे, मीर गजबर बिजिंजो भी थे, नवाब अकबर खान बुकची भी थे, खैरबख्श मरी साहब भी थे और बहुत सारे लोग थे, लेकिन जब वो सरदार अताउल्लाह बोलते थे और सच के साथ बोलते थे और दिल से बोलते थे, तो वो ही बात जो है हर एक के दिल में उतर जाती थी। इसीलिए वो तर्जुमान आला भी थे, वो लोगों का दर्द जानते भी थे और उसको बयान करते भी थे और उसके नतीजे में तकलीफ भी उठाते थे। तो ये जो है उनकी जिंदगी का सच था। अब आप अंदाजा करें, जब BNP टूटी, जो हमारे सामने टूटी, उधर BNP के कन्वेंशन में सरदार अताउल्लाह ने सच बोला,
جب اس نے اختر مینگل کی حکومت اور اس کے وزراء کے کام پہ تنقید کی تو اس کا نتیجہ جو ہے بی این پی کے ٹوٹنے کی شکل میں ملا. ان کی 9 مہینے کی حکومت جو ٹوٹی وہ بھی سچ بولنے کی پاداش کی سزا تھی, ان کو وہ سزا دی گئی کیونکہ وہ سچ بول رہے تھے. تو اصل میں جو ان کی ساری زندگی کا جو دار و مدار تھا اور آخری لمحے تک وہ سچ اور حقیقت کے بیان کرنے کے ارد گرد گھومتی رہی. تو لیکن انہوں نے سچ بولنا سیکھا کہاں سے؟ ایک تو یہ ہے کہ بلوچ کی سرشت میں سچ بولنا ہے. اب بہت سا اب وقت بھی بدل گیا ہے, کرپشن بھی آ گئی ہے, زندگی لوگوں کے حالات بھی تبدیل ہو گئے ہیں, لیکن سرشت میں جو ہے سچ بولنا ہے اس کو کرپٹ کیا جا سکتا ہے. بہت سے لوگوں کی جو ہے سچائی جو ہے آج کے حالات اور آج کی کرپشن کھا جاتی ہے. تو انہوں نے جو ہے سچ جو ہے تاریخ سے سیکھا. جب ہندوستان کی آزادی کی تحریک چل رہی تھی اس تحریک کے ساتھ ساتھ بلوچستان کی آزادی کی تحریک چل رہی تھی. پاکستان نام کا کوئی چیز نہیں تھا, نہ کوئی ملک تھا, نہ کوئی فکر تھا, نہ کوئی نظریہ تھا, کچھ بھی نہیں تھا. ایک طرف بلوچستان کی تحریک تھی انگریز کے خلاف آزادی کی اور دوسری طرف جو ہے ہندوستان کی تحریک تھی. جب یہ تحریک اپنے منطقی نتائج پہ پہنچنے والے تھے جس طرح سے اقبال ترین صاحب نے اور باقی میرے فاضل دوستوں نے بیان کیا کہ انگریز کو سوویت یونین سے جب خطرہ ہوا تو انہوں نے ہندوستان کے علاقوں کو توڑ کر پاکستان بنایا. پاکستان کی کوئی تحریک نہیں تھی, اس کی کوئی آزادی کی جنگ نہیں تھی, پاکستان کا کوئی وجود نہیں تھا. پاکستان کی جو موجودہ فوج ہے یا اس سے پہلے کسی نے اس کے لیے کوئی قربانی نہیں دی, کوئی آزادی کے لیے کوئی لڑا نہیں, کوئی جیل نہیں گیا. اگر جیل گئے تو ہندوستان کی آزادی کے لیے لوگ گئے, اور اگر لڑے تو ہندوستان کی آزادی کے لیے لڑے, اور دوسری طرف بلوچستان کی آزادی کے لیے جیل گئے اور لڑے انگریز کے ساتھ اور قربانیاں دی. تو جب پاکستان بنا تو ہماری آزادی چھینی گئی, ہم سے جو ہے ہماری زندگی کا حق چھینا گیا. باقی کسی خطے سے, شاید بہت سارے دوست مجھ سے اختلاف کریں, جتنے بھی خطے پاکستان میں شامل کیے گئے, بنگال, سندھ, نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس اس زمانے میں اور پنجاب, یہ ہندوستان کے حصے تھے. ان پہ جو ہے پاکستان کو بنایا گیا, آزادی ہماری چھینی گئی. اور کسی کی آزادی, جب آزادی چھینی جاتی ہے اس نعمت کو دوبارہ حاصل کرنے کا جو تحریک جدوجہد یا جو جوش ہے وہ جو ہے اس نے سردار عطا اللہ کے الفاظ کو مانے دیے. تو ہم آج آزادی کا جو دکھ ہے جس طرح سے ہم محسوس کرتے ہیں شاید کوئی اور محسوس نہیں کرتا ہے, کیونکہ ان کی آزادی نہیں چھینی گئی ہے, ان کو ہندوستان سے جدا کر کے ایک جدا ملک دیا گیا. لیکن ہماری آزادی ہم سے چھینی گئی, اس لیے ہماری باتوں میں درد ہوتا ہے, ہماری باتوں میں تکلیف ہوتی ہے. ہم نے کھویا ہے اپنی آزادی, اپنا اختیار, اپنی وطن پرستی. تو ہماری وطن پرستی کو ملک کا معنی دیا گیا. دو چیزیں بالکل واضح ہے, پاکستان ایک ملک ہے اور بلوچستان ایک وطن ہے, جو بلوچوں کا وطن ہے اور بلوچستان میں رہنے والوں کا وطن ہے, دو مختلف چیزیں ہیں. اور ہم سے ان 72, 73, 74 سالوں میں ہر وقت ہماری وطن پرستی کو جو ہے مشکوک نظروں سے دیکھا گیا اور ملک کا غدار ہمیں کہا گیا. یعنی دو مختلف چیزیں ہیں, وطن اور ملک. ہم نے ہمیشہ ان میں جو ہے تمیز رکھا ہے اور ہمیشہ تمیز رکھیں گے
अगर नहीं रखेंगे तो हम जिंदा नहीं रहेंगे। बलूचों के लिए अपनी वतन का जो रिश्ता है उसको कायम रखना है, और पाकिस्तान मुल्क है, उस मुल्क के लिए हम सब ने जद्दोजहद की है। अफरासियाब जेल गए हैं, हमने भी डंडे खाए हैं, जेल गए हैं, सियासत की है, असम्बलियों में गए हैं। सरदार अताउल्लाह मेंगल ने, हमने 1940 के करारदाद को भी बाद में कबूल किया जब हम इस गुनाह बेलिज्जत में शरीक हो गए, बकौल सरदार अताउल्लाह जब पाकिस्तान बन गया, हमें शामिल किया गया, हम उससे पहले उसके लिए लड़ते रहे, लेकिन जब हम शामिल हो गए तो हमने जो है 56 के आइन को भी कबूल किया, हमने 62 के आइन को भी कबूल किया, हमने 73 के आइन को भी कबूल किया, हमने सिंधी बलोच पश्तून फ्रंट बनाया, हमने नेशनल अवामी पार्टी बनाए, हमने कम्युनिस्टों के साथ इतिहाद किया, हमने मुल्लाओं के साथ इतिहाद किया। कौन से तरले हम बलोचों ने नहीं किए, कहां कहां हमसे गलती हुई, हमें बताया जाए कि हमने कहां गलतियां की। जब हम शामिल हो गए थे, हम उसमें शरीक हुए, मैं स्पीकर बना, सना बैठा हुआ है, अख्तर मेंगल बैठा हुआ है, ये सब बैठे हुए उस असेंबली में, लेकिन सजा क्यों हमें दी जा रही है? आज सड़कों पर जिस तरह से राशिद रहमान साहब ने कहा कि पहला जो मारदार और कत्लेआम जो शुरू हुआ, या जो है किल एंड डम की जो पॉलिसी हुई, बलूचों से शुरू हुई जो आज तक जारी है। भाई आखिर हमारा कसूर क्या है? वतन आपने हमसे छीन लिया, आजादी हमारी आपने छीन ली, जमहूरियत आप आगे बढ़ने नहीं देते हैं, फेक इस्लाम जो है आप फैला रहे हैं, और डंडे की जोर से आप हुकूमत करना चाहते हैं। आखिर इसमें हमारा क्या कसूर है? ये तो सारे आपके उसूल आपने बना हुए हैं कि भाई कलम पे भी पाबंदी हो, जुबान पे भी पाबंदी हो, जर्नलिस्ट को भी गोलियां मारी जाए, उनको जेलों में डाला जाए, उनको हक बात नहीं लिखने दिया जाए, इंटेलेक्चुअल के भी जो है उसको जेल में डाला जाए और रोडों पे घसीटा जाए, मतलब सियासतदान का भी यही हाल हो। तो भाई यहाँ पे हमारा आम लोगों का कहाँ है कसूर, यहाँ पे बलोचों का कसूर का कहाँ से निकल आता है, सिंधियों का कसूर कहाँ से निकल आता है, पश्तूनों का क्यों जो है कसूर कहाँ से निकल आता है? और फिर ब्लेम भी आप कहते हैं हमारे ऊपर है, और जो साबित भी करना है तो हम ही आपको साबित करके बताएं कि हम कितने वफादार हैं इस मुल्क के। तो सारा जो उस मुल्क का गंद है वो हमारे ऊपर डाला जाता है, और खुद जो है डंडे की जोर से और इस्लाम की जहली इस्लाम फैलाते हुए उसकी जोर से जो है वो मुल्क को चलाना चाहते हैं। अब जो है आप अंदाजा करें, वो आया कल जो है इमरान खान यहाँ पर वजीर आजम आया, यूएन में उसने तकरीर की और हिंदुस्तान को गालियां दे रहा था कि उसने कश्मीरी लीडर अल गैलानी की जो है लाश को जो है उठाकर चुपके से कहीं जो उसने दफन कर दिया, और शर्म नहीं आती है ये बात करते हुए? जो लिखने वाला है उसको भी शर्म नहीं आता है, इस कहने वाले को भी शर्म नहीं आता है, और वो जो फौजी जो बैठे हुए हैं जनरल उनको भी शर्म नहीं आता। भाई हमारे अकबर खान नवाब साहब के साथ आपने क्या किया? आपने भी तो उसके जो है ताबूत में ताला लगाया और उसको जो है दो लोगों के सामने, इतने बड़े इंसान को, इतने बड़े कायद को, लीडर को, जो मगरबी पाकिस्तान, जो पाकिस्तान के वजीर आजम रहे, गवर्नर रहे, वजीर आला रहे, आपने जो है एक मुल्ला को और उसके पीछे चार जो है मुक्तदी करके उसकी जो है नमाज जनाजा पढ़ाई और उसको जो है आपने कब्र में उतार दिया, और कहते हो कि अल गैलानी। भाई जो आपके साथ आज कश्मीर की बात करता है, आके यहाँ पर उसने कश्मीर की बात की, भाई जो आपके साथ है आप तो उनको मारते, और जो आपका नहीं है उसके लिए आप लड़ रहे हो, उसके लिए आप बोल रहे हो, उसके लिए जो है अल्ले तल्ले कर रहे हो, तालिबान के लिए आप कर रहे हो, और तालिबान के नाम पर पठानों का तो आपने बड़ा गर्क कर दिया है पश्तूनख्वा में, अरे का जो है अरे की घर से जनाजे निकले हैं,
अरे के जो है औरतों और नंगो नामुस जो है महफूज नहीं है, किसी का पांव नहीं है, किसी का हाथ नहीं है, किसी का सर नहीं है। बलोचों के जो है हर गली कूचे से जो है लाशें निकली हैं। तो आप जो है आखिर इस मुल्क को कैसे चलाना चाहते हैं भाई? डंडे के जोर से 73 साल हो गए, फौज है, डंडा है उसका, और कहते हो कि भाई सलामी भी दो हमें, हमारी बात भी मानो, सच भी नहीं बोलो, अपनी हक की भी बात नहीं करो, अपनी आजादी की भी बात नहीं करो, जमहूरियत की भी बात नहीं करो, तो आखिर हम जाएं कहां भाई? कौन सी बात हम करें? ऐसे आकर झूठ बोले जैसे इमरान खान आकर झूठ बोलता है, अक्कानी को कबीला कहता है, आकर यहां पर कश्मीर की बात करता है, बलूचिस्तान में वो ही करता है जो हिंदुस्तान पे वो कहता है हमें कश्मीरियों से हमदर्दी है। लेकिन भाई जो आपका अपना जो घर में आपने जो गंध फैलाया हुआ है, अगर आप उस गंध को जो है छुपाते हो और दूसरे की गंध के बारे में बात करते हो, तो बुनियादी बात ये है जी, सरदार साहब ने जो सारी जिंदगी सियासत की, उसने इस रियासत को जो है उसके मुंह पे जो है बोला। सरदार साहब के जब अख्तर मेंगल की हुकूमत थी तो सरदार साहब और नवाब साहब जो है वो इस्लामाबाद आए, तो जर्नेलों ने उनकी दावत की, ये सरदार साहब के अपने अल्फाज। तो वो सरदार साहब जो थे वो किसी की नहीं रखते थे, जब बात हक की होती थी या सच की होती थी वो किसी की नहीं रखते थे, चाहे वो अख्तर था या वो जावेद था या हम उसके सासी कारकुन जो दोस्त थे, साथी थे उसके या उसके फिक्र के लोग थे, वो किसी की नहीं रखता था, वो सबको जो है सामने कहता था, चाहे उससे कोई खुश हो या नाराज हो, कहने को वो अपनी बात कहता। तो उन्होंने बाद में जब दावत से वापस आए जनरल, तो हमने पूछा कि क्या हुआ, तो कहता है मजलिस ऐसे आम बातें हो रही थी, तो कोई ताजा जर्नल था या जो भी था, उसने जो है एक दफा सरदार साहब से कहा कि उस जमाने में ये ईरानी तेल और बिजली का जो है चक्कर चल रहा था, कि सरदार साहब आप क्या कहते हैं, हम जो है अब हिंदुस्तान को जो है बिजली फराहम करेंगे। तो सरदार साहब ने कहा, मैं खामोश हो गया, भाई एक बंदा ऐसी बात कर रहा है तो खामोश हो। दूसरी दफा कहा, तीसरी दफा कहता है मुझसे रहा नहीं गया कि भाई मेजबान भी ये हैं, अब कोई ऐसी बदमजगी हो जाए भी अच्छी बात नहीं है। जब उसने तीसरी बार कहा, सरदार ने कहा भूखे ने भूखे की मारी, तो दोनों जो है बेहोश हो गए। तो अब जो है इन जर्नेलों की जो है सोच, मैं आपको कहूं कि यही है कि उनका बंदा कोई आफरीदी है, इधर आया अमेरिका में यूएन में कुछ करने के लिए, मुझे मालूम नहीं क्या है, वीडियो बना के जो है वो घूम रहा था और अमेरिका आया हुआ घूम रहा था और कह रहा था कि जनाब हम वहां पर अच्छे हैं और अमरीकी यहाँ पर खराब है। तो अब अंदाजा करें कि इस किस्म के लोगों को आप जब लाएंगे, क्राइटेरिया तो यही है मिलिट्री का कि इमरान खान जैसा बंदा है, मुल्क का वजीर आजम हो और आकर जो है भीख भी मांगता है, वो हमारे जुबान में कहते हैं कि आप भीख भी मांगते हो और आपका गद्दा लात भी मारता है। अब जब कल आकर यहाँ पर उसने तकरीर किया कि जनाब इस सारे जंग में जो है हमें नुकसान हुआ, ये हुआ, फलाना हुआ, और आखिर बात तो वो भी की थी कि किस तरह से जो है पाकिस्तान की मईशत को सहारा दिया जाए, तो एक तरफ से आप भाई भीख मांगते हो और दूसरी तरफ से आपका गद्दा भी लात मारता है, तो कौन आपको जो है भीख देगा? तो बहरहाल सरदार साहब की जो जिंदगी है, सरदार साहब की जो सियासत है, हमने पर्सनली मैंने उनसे सच कहने की जो है सच सुनना, सच कहना और सच को जो है आगे बढ़ाना। बाकी जहां तक पाकिस्तान के हवाले से आप दोस्तों ने बात की, राशिद साहब ने बात की, अफरासियाब ने बात की और मस्ती खान साहब ने बात की कि जमहूरी तहरीक को कोई पार्टी आगे बढ़ाई जाए, या मैं बजाते खुद मैं सरदार साहब का अदना कारकुन हूँ, उनके फिक्र का जो है पैरोकार हूँ। वो उन्होंने कहा कि हम बेजार हो गए,
इसमें कोई मजायका नहीं है कि तहरीक को सियासत तो लो, जमहूरियत का आगे बढ़ना, जमहूरियत की तहरीक का न रुकना और आगे बढ़ना जो है इंसानी जिंदगी और समाज का हिस्सा है और उस पर हमें रुकना नहीं चाहिए। लेकिन हम बलोच जो है अब पता नहीं किस मुकाम से उसको शुरू करें, हम अपने कब्रों से शुरू करें उसको, हम ग्वादर की समंदर से उसको शुरू करें, हम जो है अपनी माओं बेटियों और ख्वातीन की इज्जत के तार तार होने से शुरू करें, आखिर हम कहाँ से शुरू करें उस भरोसे की तजदीद कहाँ से पाकिस्तान के साथ करें, यानी हमें कहाँ से यकीन आए, कौन हमें यकीन दिलाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के आइन में कोई ताकत नहीं है जो हमें यकीन दिलाए, क्योंकि जब कोई जर्नल आता है उसको उठा के जो है फेंक देता है और उस पर काबिज होता है। पाकिस्तान की अदालतों पर हमें कोई यकीन नहीं कि वो हमें इंसाफ देंगे, जो हमने आजमाए हैं, जो देखे हैं, जैसे जर्नल हैं वैसे जज हैं, वैसे उनके जो है पाले हुए सियासतदान हैं, जहां तक उनकी ब्यूरोक्रेसी है वो तो हमेशा जो है हमेशा से शुरू से लेकर आज तक ऐसे ही रही है। तो आप हमें बताएं कहां से शुरू करें, उस कॉन्ट्रैक्ट से शुरू करें जिस कॉन्ट्रैक्ट पे खान अहमद यार खान और जिना साहब ने जो है दस्तखत किए थे कि वो उनके वकील और बलूचिस्तान की आजादी की जो है लीगली बात करेंगे, तो उसको भी तो जिना साहब ने खुद जो क्लाइंट और अटॉर्नी का जो प्रिविलेज था या कॉन्ट्रैक्ट था उसको ब्रीच किया, उनकी अपनी ही जिंदगी में उन्होंने जो है खान को धोखा दिया और बलूचिस्तान पे कब्जा किया। तो हम कहां से शुरू करें, हमें खुशी होगी कि पाकिस्तान में कोई शख्स, कोई जमायत, कोई ग्रोह हमें यकीन दिलाए और हमें कहें कि भाई आप यहां से शुरू करें, 1940 की करारदाद से शुरू करें, 56 के आइन से शुरू करें, 62 के आइन से शुरू करें, 73 के आइन से शुरू करें, 18th अमेंडमेंट से शुरू करें, कहां से शुरू करें। तो बहरहाल अल्लाह आप सब लोगों को जिंदगी दे, सेहत दे, और हमारे दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने जो है इसका एहतमाम किया और हमें सबको जो है सच बोलने की अल्लाह तौफीक दे। बहुत बहुत शुक्रिया मुश्ताक। बहुत शुक्रिया वहीद बलोच साहब, और काफ़ी सच्ची बातें की और बड़ा अच्छा लगा इन अ सेंस के वो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट आपने शेयर किया। प्रोग्राम में के एंड में मैं हमारे सीनियर दोस्त जो हैं डॉक्टर एजाज रुख साहब, उनसे गुजारिश करूंगा कि वो वोट ऑफ थैंक्स सब दोस्तों का शुक्रिया करें बिहाफ ऑफ ऑल ऑफ अस। डॉक्टर एजाज रुख साहब कहंजी थी हितदात विकामे, कहंजी थी हितदात विकामे, कहंजी थी हितबात विकामे, कहंजी थी हितरात विकामे, हेडे विकरे मेन विकाणो, तंहिंखे मिलियो जेल ई थाणो, जहिड़ो माण्हू तहिड़ो नाणो, हर को पंहिंजे अघ अघाणो, जेको माण्हू कोन विकाणो, सोई माण्हू मोती दाणो। वाह 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 दोस्तों, ऑन बिहाफ ऑफ फ्रेंड्स ऑफ दिस सोसाइटी आई एम ग्रेटफुल एंड आई एम थैंकफुल टू ऑल द कॉमरेड्स हु जॉइंड अस टुडे टू सेलिब्रेट द लाइफ ऑफ अताउल्लाह मेंगल। आई विल नॉट कॉल हिम सरदार, he was a comrade, this man who struggled for his people all his life and always stood for truth. I am very lucky that I have one meeting with Ataullah Mengal in 2005, I guess, when we were organizing this Sindhi Association of North America convention. As Brother Waheed said, Ataullah Mengal, in that one hour meeting, I found him, jo kehte hain ki nafees, bahadur, khara aur sachcha insaan, aur hame jo tehreek chalani hai, main kehta hu jise
राशिद साहब ने कहा और दूसरे दोस्तों ने कहा कि वी हैव टू कंटिन्यू दैट स्ट्रगल, दैट्स द ओनली वे वी कैन गिव ट्रिब्यूट टू अताला मंगल। और आखिर में मैं हमारे दोस्त आकाश अंसारी के बैत से आप सबका शुक्रिया अदा करूंगा। किरण जिए किए प्यार जिए, किरण जिए किए प्यार जिए, जोधन जिए को जिए थरते थाधल के, कोम कुहान खातर के भाड़ थी बीठा आहिन, पर एजन सिंह जे अख जो कंडो, कोम कुहान खातर के भाड़ थी बीठा आहिन, पर एजन सिंह जे अख जो कंडो, कोई कोई थिए जुग जुग जुगाइंदो थिए, झांगियुन सां जिंदड़ो जोड़े, झांगियुन सां जिंदड़ो जोड़े, हर रहजन सां रिश्तो तोड़े, पहंजी भूए भूए माना जमीन, पहंजी भूए बचाण खातिर बागी बंजी पिए, पहंजन सां रब पिए। मुझे ख्याल में अताला मंगल इन बैत जी आहे, हू पंहिंजे माण्हुनि सां बीठो, उन्हनि ताक़तवर कोतनि जो साथ ॾिनो, हुन सां बणंदे बणंदे पंहिंजो आख़िरी साह खई, ऐं अचो त उनखे सेलिब्रेट करण लाइ असीं इन जदोजहद खे अॻियां वधायूं। ऐं जेके बि न सिर्फ़ु मज़लूम क़ौमूं, मज़लूम अवाम जिते बि हुजे, सिंधी हुजे, बलोच हुजे, पश्तून हुजे, फ्राइकी हुजे, पंजाबी हुजे, सभिनी मज़लूम अवाम लाइ सभिनी खे गॾिजी करे उन जदोजहद खे अॻियां वधायूं। महिरबानी दोस्तो, थैंक यू वेरी मच। Thank you very much. Bas ek aakhir mein ek announcement hai ke we'll be putting up all these speeches separately with each speaker separately on YouTube as well, and wo aap hum aap se link share karenge. Thanks very much. Over to you, Suhail. You can disconnect. Your mic is off. सब दोस्तों की मेहरबानी, एंड आई थिंक थैंक यू फॉर जॉइनिंग, एंड वी होप टू कंटिन्यू दिस जर्नी विद ऑल ऑफ यू, सो टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल रेस्ट ऑफ योर डे। थैंक यू।